मेरे पति को हर मुसीबत से बचा के रखना गणपति बप्पा। मर गया। ओह माय गॉड, बीच सड़क में मर्डर, अब क्या होगा अंकल? यहाँ तो ये सब होता ही रहता है। ऐसे शहर में हमारे भाई कैसे रहते होंगे? भाई को कुछ नहीं होगा प्रिया, उनका तो अलग बिजनेस है। कहाँ भागता है? पकड़ उसे! कानून अंधा हो सकता है लेकिन भगवान नहीं। भगवान ने आपके जरिए इंसाफ किया है, आप जाइए, मैं देख लेता हूं। क्यों जी, आज भी इतनी देर कर दी आपने? एक जरूरी काम में फंस गया था। अच्छा अच्छा, इंदौर से आपकी बहनें आई हुई है। बहनें? हाँ, दोनों ही। भाई ये लो, और जाओ यहाँ से जल्दी। उन्हें कौन लेकर आया? रवि भैया लेकर आए हैं। उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ, कैसे हो तुम? उन्हें यहाँ क्यों ले आए? दोनों तुमसे मिलने की जिद कर रही थी इसलिए लेकर आया हूँ। उन्हें इन झगड़ों का पता न चले इसीलिए तो दूर भेजा, एटलीस्ट आने से पहले फोन तो कर लेते। फोन किया था पर लगा नहीं। ठीक है ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करो। ठीक है अशोक। दीदी को तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, मेरा पता नहीं। ठीक है, पहले दोनों फ्रेश हो लो। चलो जाओ। हे शिवा, कैसी हो बेटिया? बिल्कुल ठीक। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। शिवा अच्छे तो हो ना? अच्छा हो रहा है। शिवा लगता है काफी बिजी हो। हाँ भाई। भाई ध्यान से। जी। बेटा। डैड। कल उस अशोक के बच्चे की मौत की चीख से पूरी मुंबई नींद से जागनी चाहिए। अशोक, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? सुबह सड़क पर लफड़ा देखकर तुम्हारी बहनें बहुत डर गई थी। उन्हें पता चले कि इसमें तुम ही शामिल हो तो उन पर क्या बीतेगी? पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी सूरत में पता नहीं चलना चाहिए, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब तुम नहीं बदलोगे? जब जंग शुरू हो चुकी है तो उसे अंजाम तो देना ही होगा। अच्छा तो तुम यहाँ पर? ये क्या मैडम जी, वहाँ फंक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है और तुम हो कि यहाँ राम नाम लिखने बैठ गई। छोड़िए जी, राम नाम लिखना बड़ा पुण्य का काम है। ये राम कोटी लिखने से आपका और आपके बहनों का हमेशा भला ही होगा। पहले बर्थडे बेबी, अपना केक काट लो, उसके बाद ये सब कर लेना। ओके, कम 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 कम, प्लीज 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 प्लीज। जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू माय गौतमी। अशोक, इस बार मेरी बहन को क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो? हमारी बहन को नहीं, अपनी बीवी को देने वाला। अच्छा, हम जो गिफ्ट लाए वो कहाँ है? अंदर रखा है बेटा। हमें दिखाई नहीं दिया, आप चलिए हमें दिखाइए। शिवा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग जाकर ले आओ ना फास्ट। अच्छा, तुम्हारा भाई पूछ रहा है कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं तो पहले ही दे चुका हूँ ना। कब दिया आपने? 3 महीने पहले ही दे दिया, जो 6 महीने बाद तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। आप बदल जाइए, यही मेरा गिफ्ट होगा। जो मुमकिन हो वही मांगो। पढ़ाई के बाद आपकी बहनें हमारे साथ रहने वाली हैं। आपके दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए कहीं उनके साथ कुछ करना बैठे, कम से कम उनके लिए तो प्लीज ये खून खराबा छोड़ने का वादा कीजिए। गौतमी, 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 गौतमी। उस
उसकी बीवी को मरे 8 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक खामोश क्यों है भाई? वो खामोश है मतलब कुछ प्लान कर रहा होगा। नहीं डैड, वो डर गया होगा। अशोक के बारे में तू नहीं जानता, बकवास मत कर। शिकार करना तो खेल है उसका, गलत निशाने लगाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो जरूर कुछ करेगा। भाई, भाई, नहीं भाई, वो लोग नासिक जा रहे ले। नासिक? हाँ भाई, उसकी बीवी का क्रियाकर्म करने के लिए आखी फैमिली के साथ नासिक जा रहे ले। अच्छा फंस गया साला, मगरमच्छ की ताकत पानी में है तो उसकी ताकत मुंबई में है। अब मगरमच्छ पानी से बाहर आया है, छोड़ना मत, सही वक्त पर सही जगह जा रहा है, मिस मत करना। ए, गाड़ी निकाल। ए, हाँ। वो हमारी पू पहचान जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। ए, वो कमीना अशोक नासिक जा रहा है अपने बहनों के साथ, किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन के मार देना। हमारी भाभी की मौत कैसे हुई अंकल? आखिर किसने मारा उन्हें? मैंने बताया ना बेटी, इस मुंबई शहर में करता कोई और है और भुगतता कोई और है। यही हुआ हमारी गौतमी के साथ भी। बोलो अशोक। रवि, प्रिया और त्रिशा को लेकर दूसरे रूट से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करना। पर हुआ क्या? बाद में बताऊंगा। स्पीड बढ़ाओ, आगे से राइट लेना। शिवा, लेफ्ट टर्न। क्या हुआ? यह बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, सब लोग मर गए, अपुन भी जख्मी है सब। अबे चुप, वो अशोक मरा कि नहीं? वो भी नहीं बचा है बॉस, सब लोग मर गए। मुझे उसकी लाश देखनी है, अभी आता हूँ। नहीं बॉस, अशोक भाई और उसका अक्का फैमिली चल के रात हो गया। साला अशोक का चैप्टर खत्म, हवार को अब रोकने वाला कोई नहीं है। गौतमी, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैं इंसान की जान को महत्व देने वाले किसी भी प्रांत में जाकर बसना चाहता हूं, इसका इंतजाम करो।
लेकिन जाओगे कहाँ अशोक? नहीं जानता, जहां मैंने गौतमी की अस्थि विसर्जित की वही गोदावरी मुझे रास्ता बताई। गांव का नाम है गांधी ग्राम और यहां गांधी जयंती को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। महात्मा के आदर्शों का पालन करने वाले इस गांव ने हमारे जिले का बेस्ट विलेज अवार्ड जीत लिया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते आई एम प्राउड ऑफ दिस। इसके लिए मेहनत करने वाले इस गांव के प्रमुख चौधरी साहब को बधाई देते हुए ये अवार्ड मैं उन्हें सौंपती हूँ। कांग्रेचुलेशंस। झगड़ा फसाद न होने वाला हमारा गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल बने और मेरी ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी भी महात्मा के आदर्शों को उनके ज्ञान को अपनाए, यही मेरी विनती है। अरे बाप रे, पानी! ये कहां गया? गायब हो गया। मैं पतली गली पकड़ा और मेन रोड से गायब। मैं बच जाऊंगा। ये गिद्ध क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे साथ बुरा होगा क्या? ए, शंख क्यों बजा रहा है? ये है देव, पूरा नाम देवांग, यानी जिसमें देव का अंक है। इसके पिताजी बहुत बड़े राम भक्त हैं और माँ कृष्ण को पूछती है। पिता इसे राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं और माँ श्री कृष्ण की तरह नटखट, इसलिए दोनों ने मिलकर इसके गले की चेन में एक तरफ राम और दूसरी तरफ कृष्ण वाला पेंडेंट पहनाया है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो देव इस पेंडेंट को घुमाकर अपना कैरेक्टर डिसाइड करता है। राम आया तो शराफत से निपटता है और कृष्ण आया तो चालाकी से। अगर कभी पेंडेंट बीच में रुक जाए तो देव अपने असली कैरेक्टर में आ जाता है, यानी सामने वाले की धुलाई। अब इस गंगा राम का क्या होता है देखते हैं। अरे बाप रे, ओ बाप रे, मर गया। ए गंगा राम, आंखें खोलना उल्लू के बट्टे। ड्रम पे बिठा दिया, वरना बॉडी टूट जाती ना। वहाँ बूढ़े लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, यहाँ तेरा खून बाहर आता तो हिंसा हो जाती ना। मेरा नाम खराब होगा तो चलेगा, पर गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मार खाना कैंसिल, थैंक्स यार, चलता हूँ। इसके बाप के सिद्धांत की वजह से बच गया। अरे बाप रे, प्रोग्राम को हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। इस देवा के गले में एक लॉकेट है जिसमें दो गौड़ है जिनके दो कैरेक्टर है। राम जी आए तो बिना मारे ले जाऊंगा, हर किशन जी आए तो मारते हुए ले जाऊंगा। ये कैसा प्रोग्राम है? अब पता नहीं देवा आज कौन सा अवतार लेगा। साड़ियाँ हवा में लहरा रही, नहीं समझे? आज कृष्ण अवतार है। तेरा टाइम खराब है यार। तो क्या मुझे मारते हुए ले जाओगे? छे छे, इस गोदावरी की कसम, खून जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, जस्ट धो डालूंगा। मतलब हार्ट हेड में पहुंचेगा, ब्रेन चेस्ट में, और लीवर है ना, अरे यहाँ वो पैर में शिफ्ट हो जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, कैसे होगा? तू मारने में फर्स्ट है, मैं भागने में फर्स्ट हूँ, हट। अरे पागल, भागने से जगह बदलेगी, प्रोग्राम नहीं बदलेगा। मुझौसा, किशन जी से बच के भागना इतना आसान है का? अरे वाह, सब अपने ही गांव के लड़के हैं। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, ये बहुत सही जगह है। ये सीता, ये गीता, ये चोरी छुपे में देख रहा था। अरे बस क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या अनजाने से गिर गया। छोड़ना मत, मारना मत, मारना मत, मारना मत। अरे कृष्णा, मैं कितने दिनों से मौका ले रही थी, आज फिर ये क्या चिपक रही उससे जाके? हाँ चल जा। तू क्यों चल रही है? ये तेरा कोई लगता है क्या? हाँ, मेरा मंगेतर है और शादी होने वाली है मेरी उससे, और तू क्या एंजॉय कर रहा है यहाँ पे? चल यहाँ से, चल निकल। तुझसे बात नहीं। बिना मारे पसीना छूट गया। अरे यहाँ भी आ गया। अरे
रुक रुक, कहाँ चले? हाँ एंट्री ठीक है पर पोस्ट ठीक नहीं है, लगता है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई है। चला हुकुम देने के लिए तुम्हारा घर नहीं है ये, हमारी मिल है। मिल तुम्हारी है लेकिन ये मिल हमारे गांव में है। फाइट के बीच में रुकावट मत बनो, चलो हटो। क्या कर रहे हो? खोलो भैया भैया। सिंहमुख रौद्र रूपिण्याम अभय हस्तांगितम करुणा मूर्ते सर्वव्यापितम लोकरक्षकाम पाप विमोचन दुरित निवारणम लक्ष्मी कटाक्षम सर्वाभिष्टम अनेकम देहि लक्ष्मी नारसिंह। कहाँ गया? मिस हो गया क्या? देवा को मारने का कम मौका मिलता है, अगर मिस हो गया तो डेंजर है भाई। कैसी रही? क्या हुआ, तुम लोग काम क्यों बंद कर रहे हो? इसका मार खाना कोई नई बात नहीं है, तुम अपना काम करो मैं अपना करता हूँ। बच गया। ये देवा गंगाराम को मार रहा है या बचा रहा है? मारते हुए बचा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पल भर के लिए मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। चल फिर से दिखाता हूँ, आजा। मुझ पर आकर गिरता है कमबख्त। मार रही है, मार रहा है ना? और तो उसे तमीज से बात कर। क्या रे, मुझे कितना भगाया रे, मुझे भागने को किसने किया? फिर कभी हमारी मिल में आए तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा सोचना भी मत, खाल उधेड़ दूंगा। खाल क्या होती है? अरे चमड़ी। चमड़ी? हाँ यही। बिटिया को हाथ लगाता है तेरी तो। उनको कैचिंग सुपर है, धोनी से बात कराऊं क्या? देखो तुम्हारे पिताजी बहुत नेक इंसान है, उनकी इज्जत पर दाग मत लगने दो। नेक इंसान मेरे पिताजी है, मैं नहीं। बड़ा होकर मैं भी नेक बन जाऊंगा, तू चलना। ए! तुझसे मैं बाद में निपटूंगा, चल रहे। शिवा तुम जानते हो ना हम किन हालात में इस गांव में आए, चाहे कोई कितना भी उकसाए हमें हर हाल में चुप रहना, इन झगड़ों में मत पड़ना। चलो। ए भागना मत। है पागल कहीं का, इतना अच्छा भागने का मौका है, बोलता है भागना मत, मैं रुकूंगा क्या? पागल कौन है अब पता चलेगा बे। अरे अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ, गंगाराम मुझे मारने आ रहा है। चल चल मुझे मार रहा है। रुको रुको, जब देखो तब मारपीट करते रहते हो, तुम देवा को क्यों भगा रहे थे? अरे वही मुझे भगा रहा था। ए हटो रे, जगह दो। अरे साले साहब क्या लफड़ा है? उसने मुझे मारा इसलिए मैं भाग रहा था जीजा जी। दूंगा एक नालायक, सबके सामने झूठ बोलता है। भागने वाला ये आगे था और भगाने वाला तू पीछे था। ये हुई ना बात चाचा जी, ऐसा पूछो? मास्टर जी अपना पार्ट स्कूल में जाकर पढ़ाओ या नहीं, मेरी शिक्षण बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। इस देवा ने जरूर मेरे साले को मारा है, पूछिए आप अपने बेटे से। अगर मेरे साले की कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, पूछिए आप। ए देवा इधर आ। जी बाबूजी। तूने इसे मारा? तौबा तौबा, मैं इसे क्यों मारूंगा बाबूजी, इसके बदन पे कोई सूजन खरोज कुछ भी नहीं है। ये बोलना। हाँ ये तो एकदम फ्रेश लग रहा है अंकल। खून जमीन पर नहीं गिरेगा, जस्ट धो डालूंगा। अबे चालबाज कहीं का देवा, यही तेरा कॉन्सेप्ट है? खून बहाया भी ना मैनेज किया तो फिर सूजन कहाँ है बेवकूफ? आपको क्या पता मास्टर जी, वो भी इसने मैनेज किया होगा। ले मैनेज किया दिखा। सुन लो धनीराम, सूजन ऐसी होती है, उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर अब भी डाउट है तो अपनी सिक्स सेंस से पूछ लो। उसकी जरूरत नहीं, पता चल गया। ए, ये झगड़ा है किस लिए? कुछ नहीं बाबूजी, अपने सीताराम की बेटी है ना, बहन आ गया हो। आज इसकी सगाई थी, इस गंगाराम ने इस लड़की की फोटो निकाल कर अपनी फोटो लगाकर लड़के वालों को भेज दिया और ऐसी घिनौनी करतूत से इसकी सगाई टूट गई। इसने ऐसा क्यों किया यही पूछने गया था। क्या है सच? हाँ मालिक, गांव वाले सब मजाक उड़ाएंगे तो हमने छोटे मालिक को बोल दिया। धनीराम तुम्हारे साले की गलती के लिए तुम ही जवाबदार हो ना? चौधरी साहब मेरे शिक्षक। खामोश। सीताराम की लड़की को उनका मनपसंद रिश्ता तय करके सगाई से लेकर शादी तक सारा खर्चा तुम ही उठाओगे। चौधरी साहब आपके भी तो दो बेटे हैं, वो भी कभी ना कभी गलती करेंगे। उस दिन सारे गांव के सामने जैसे मैं आज खड़ा हूँ वैसे आप खड़े रहेंगे। ए, चुप कर। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देने के लिए उसका कोई हक नहीं रहेगा। बद्रा चलाम सीतापुर जाने वाले सब आ जाओ। वहां कौन खड़ा है? गोदावरी में इसका कुछ खो गया क्या? अरे चाचा क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने जो करतूत की है वो सोचकर रो रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? खून पसीना बहाकर मैंने जो भी जायदाद बनाई वो दोनों बेटों में बांट दी और जायदाद लेने के बाद दोनों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर आपके दोनों बेटों को सबक सिखाना है तो हमारे गांव में एक लड़का है उससे मिल लीजिए। वो कौन है बेटा?
चार शीशे, 10 टी कप्स और कलर टीवी, ये सब क्या है? उस देवा ने डैमेज किया है ये सब। हमारे घर के खर्चे से उसके डैमेज का खर्चा ज्यादा है। इस बार उसकी बॉल आई तो वही है। हेलो, बॉल अंदर आया तो बाहर देना नहीं जानते क्या? अरे देवा, फिर से उस लड़की का कांच फोड़ दिया। शाम को हम लोगों को फुल पार्टी देना। कैसे बैठे हैं देखो, बंदरों की टोली। ए, क्यों देर कर रही है? जरा भी मैनेज नहीं है तुम में, रोज यही काम है। और क्या करें, सुबह से ये लोग आ जाते हैं, तुम्हारे शीशे पे निशाना लगाते हैं, ये बोलना। पागलों जैसी बातें मत करो, ये तुम जानबूझ के करते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे तेरा भाई बिल गेट्स है और मैं उसका सारा माल हड़पना चाहता हूँ। क्या बोलती है, क्या बकवास कर रहा है तू? जल्दबाजी में कमिट मत करना, मेरा कैरेक्टर तुम नहीं जानते। हाथ मिलाओगे तो जान दे दूंगा और हाथ उठाओगे तो जान ले लूंगा। अच्छी तरह सोच लो। अरे बॉल मिल गया, चलो चलो चलो, टेक योर पोजीशन। हाँ दीदी बोलो। हेलो प्रिया, संक्रांति की छुट्टी में मैं घर आना चाहती हूँ, भैया से पूछकर बताओगी? इतना पढ़ने के बाद भी तुम नहीं बदली, घर आने के लिए भैया से पूछोगी? हेलो भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, त्योहार की छुट्टियों में घर आना चाहता हूँ, सोचता हूँ एक बार बाबूजी से बात कर लूं। अरे इसके लिए भी बाबूजी से परमिशन लोगे क्या? त्योहार के दिन सब एक साथ होंगे तो भैया और भी खुश हो जाएंगे। ये कोई गलत बात है, ये सोच के डरती क्यों हो? ऐसी बात नहीं, एग्जाम नजदीक है ना इसलिए। अरे तुम्हारे जैसा बुद्धू पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, फौरन निकल के आ जाओ, बाबूजी को मैं बोल दूंगा। ठीक है, बाय। ए त्रिशा, प्रोग्राम फिक्स है ना? इस बार तो अपने प्यार को ग्रीन सिग्नल दिला दो। ए आनंद, प्यार की बातें बाद में करना, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, चल। ठीक है चलो। ले आई। सुबह से चौथा बंडल है, कोई हिसाब भी है आपके पास? हिसाब मुनीम जी देखेंगे, तुम अंदर जाओ। चौधरी साहब अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि नहीं? उसकी शादी की क्या चिंता, वो इस जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा। शहर में पढ़ रहा है ना, संभालना होगा, प्यार व्यार में पड़ गया तो परेशानी होगी। कभी गलती से भी वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ अगर मुझे चिंता है तो इसे देखिए, ये कब क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाबूजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं तो राम जैसा हूँ। लेकिन हरकतें कृष्ण जैसी। मतलब आपको मेरे कैरेक्टर पे इतना शक है बाबूजी? बाबूजी एक बार कहिए कि आंखें बंद करके मंगलसूत्र पहना दे, वो छोटी हो नाटी हो मोटी हो, अगर ये है तो भी ठीक है, पहना दूंगा। बोलिए बाबूजी, बोलिए बाबूजी, एक बार बोल दीजिए इसे पहना दो। बोलिए बाबूजी, पहनाने के लिए बोलिए ना। बोलिए बाबूजी, बोलिए पहना दो इसे। पहना दे राजश्री। मंगलसूत्र लाने के लिए ना, मैं अभी लाई। मंगलसूत्र तैयार है बाबूजी, बोलिए ना, पहना दो देवा प्लीज। पहना, बिना बैंड बाजे के पहना दूं क्या? जो बोलेंगे वो करूंगा, कहा था ना। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप ही सोचिए बाबूजी, इस घर की एक इज्जत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है। चौधरी साहब का बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे ने शादी कर ली, ऐसा किसी ने कहा तो? ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, आपकी आन बान मान मर्यादा सब गोदावरी में बह जाएगी ना। नहीं बाबूजी, मेरी बदनामी मुझे मंजूर है, पर इस घर को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। दरअसल मैं आपके बेटे की बात कुछ समझ नहीं पाया। बरसों से उसकी परवरिश करने वाला जब मैं नहीं समझ पाया तो आप क्या समझेंगे? अरे रुकना, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? मंगलसूत्र पहना देना। मजाक करिए क्या? चल भाग। ये मजाक नहीं है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र है ना। मुझे टेंप्ट मत करना। बाबूजी ने इजाजत दे तो दी है। अरे मैंने कहा ना टचिंग नहीं, मेरा पसीना छूट रहा है। पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे सब ठीक हो जाएगा बुद्धू। माँ मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा बच्चू? इस बार संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे ना? क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे। त्योहार में अपने छोटे भाई को बुलाएंगे क्या? उसका नाम तक इस घर में कोई नहीं लेगा। ये है कबाड़ खरीदने का तरीका, कैच इट, ले जाओ। इसके साथ भी ये लेना। अबू ये पीने के लिए दिया था। बेवकूफ, ये पहले ही बताना था ना। हंसना बंद हुआ तो अपना काम कर, आज का ही दिन है, कल से दुकान बंद कर दूंगा। क्या साहब, कल से दुकान बंद कर रहे हो? वो बंद कर, क्यों नहीं बंद करूंगा, यहाँ मैं कबाड़ी हूँ लेकिन वहाँ तो मेरी रॉयल फैमिली है, परसों बाद अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा हूँ। तो काका जी ने मान लिया? बंद कर, मार डालूंगा, बेकार के सवाल करता है, माँ से कहो तैयार हो जाए। हेलो हेलो भाई, मैं सुबोध राज बोल रहा हूँ, संक्रांति को फैमिली के साथ गांव आ रहा हूँ भाई। भैया कौन है तेरा भैया? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई मुझे नहीं पहचाना, प्यार किया और जब आपने इनकार किया तो भाग गया। मेरा भाई भाग नहीं गया, जिस दिन उसकी वजह से मेरे पिताजी चल बसे उसी दिन वो मर गया।
मर गया? क्यों जी, कोई मर गया सुनाई दिया? कोई भी मर नहीं गया, स्वागत कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कपड़े लत्ते पैक कर दिए, अभी निकले क्या? अरे रुको ना, अभी डिस्कशन चल रहा है ना। छोटे भतीजे को फोन करता हूँ, वो पागल मुझे बहुत चाहता है। हेलो, कौन? अरे देवा, मैं हूँ रे तेरा चाचा। ओ, एले सर हो। एले सर, इसका मतलब? लॉस्ट सुबोध राज। अरे ये क्या देवा, ये कोई पद्मश्री है जो नाम के पहले जोड़ दिया? ए, मैं संक्रांति में गांव आना चाहता हूँ, बाबूजी को मना लेना। क्या संक्रांति में आप आ रहे हैं? बाबूजी को मुझ पे छोड़ दो चाचा जी, आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लो, हमारे स्टेशन पर आके उतरो और वहाँ से मुझे फोन करो, वहाँ पलटन लेके आऊंगा आपका स्वागत करने। क्यों देवा, पटाखा वगैरह फोड़ के बैंड बाजे के साथ ले जाओगे? नहीं एले सर चाचा, आपकी धुलाई करके खून ब्लड बैंक को और किडनी इंडिया ट्रस्ट को डोनेट करूंगा। और नहीं तो क्या, संक्रांति में आना चाहते हैं? संक्रांति के दिन ही तो भाग कर शादी की थी। क्यों रे, लव मैरिज करना गलत है? तुम कभी प्यार नहीं करोगे क्या? ये प्यार भागना वगैरह मेरे काम का नहीं है, जल्दी से फोन रखो वरना गाली दूंगा। अरे बात तो सुनो देवा। बाबू, इसमें और भी कुछ डालना है क्या? ए, मुझे मार कर इसमें डाल दे और गोदावरी में जाकर बहा दे, वहाँ मेरे लिए ट्रस्ट बनाकर इंतजार कर रहे हैं। गाँव जाएंगे, गाँव अंदर जाओ। अरे मत मारो जी, क्या कर रहे हो? ए त्रिशा, जब से मेरे चाचा जी लव मैरिज करके भाग गए तब से मेरे पिताजी को लव मैरिज से नफरत, पता नहीं उनसे मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा। अब क्या होगा? तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, तुम अपने भाई को मनाओगी और वो मेरे बाबूजी से आकर बात करेंगे तो मेरे बाबूजी इनकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? I'll try. मेरे भाई की बोट अब तक आई क्यों नहीं रे? देखो वो बोट आ रही है, चलो देखें। दीदी आ गई, जल्दी रस्सी फेंक। भैया कैसे हो? अच्छा हूँ ना, क्लास मेंटेन करो भाई, किसी की भी साथ आ जाते हो। ठीक है चलो। ये तो कमाल हो गया दीदी, आज तो लॉन्च में बंदर आया है। क्या बंदर? ये ले बैग पकड़। अरे अरे हाँ, आजा देखती हूँ मैं। ये मुंह मेरा, मैं कुछ भी बोलूंगा, सबको चुपचाप सुनना पड़ेगा। देवा चलो चलो। भैया अच्छी हो ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना त्रिशा? पढ़ाई अच्छी चल रही है, और भी अच्छे से पढ़ो दीदी, फर्स्ट रैंक आना चाहिए ताकि उन घमंडी लोगों का मुख काला हो जाए। हाय भाभी, देख लेना 2 महीने के बाद आई बी डॉक्टर त्रिशा। बेटी त्रिशा, तुम्हारे लिए बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे सभी शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में नौकरी की बात कर ली है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही तुम जिस शहर के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी वहाँ नौकरी तैयार है। नहीं नहीं, नौकरी किस लिए, पहले एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं, बाद में हम ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देंगे, ठीक है? जाओ आराम करो। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए दीदी? हाँ, तुम इस तरह खामोश रहोगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। मन ही मन कुछ तो सोचा होगा तुमने, शहर का लड़का चलेगा या गांव का लड़का चाहिए? शहर नहीं, मुझे तो गांव अच्छा लगता है। ठीक है, गांव का लड़का। और कैसा लड़का चाहिए? इंजीनियर, एडवोकेट, MBA या डॉक्टर? गांव वाला डॉक्टर, ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, इसी गाँव में चौधरी साहब का बेटा आनंद नहीं है क्या? आनंद? आनंद का नाम मत लेना, भैया सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल तो ठीक है, आनंद ही चाहिए ये सोचकर मैं टेंशन में आ गई। उस देवा के घर में कोई लड़की नहीं देगा, उसका बिहेवियर मुझे ही नहीं भैया को भी बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बस बस माँ, हॉस्टल का खाना खा खा कर डॉक्टर बनने से पहले तुम पेशेंट बन जाएगा, 4 दिन ही सही पेट भर खाना बेटा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इतना तेल घी मत खाइए, सेहत के लिए खराब होता है। अरे ये सब खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी सेहत बहुत मजबूत है, एकदम स्टील बॉडी। स्टील बॉडी को भी शौक लगता है, सोच लो। चुप कर। ए तू चुप ना, ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर आनंद मौजूद है ना, कुछ हो जाएगा सोचकर अपना मन मारकर मैं जी नहीं सकता। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे दोनों बेटे जिंदगी में कुछ बन जाएं और 10 लोगों के लिए आदर्श बने। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूं। हां हां, रोटियां तोड़ने का काम, ये तो डॉक्टर बन रहा है, तू क्या बनेगा बता? ये डॉक्टर, आफ्टर ऑल 3 अक्षर, मैं डॉक्टर का भाई, पूरे 6 अक्षर। अब बोलिए। बातें बनाने में तुम माहिर है, थोड़ी दाल दे देना। क्या असली घी की खुशबू आ रही है। हां आओ आओ खाना खाओ। अच्छा जी, हम पहले घर से खाना खाकर आ रहे हैं अंकल। अरे देवा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। तो चल बुक कर। साले बेवकूफ कहीं के, जोरदार भूख लगी थी, सोचा था दबा के खाऊंगा, तूने मना कर दिया। अरे इस खाने में क्या रखा है यार, रात को छत पर दारू की पार्टी है और मल्लिका शेरावत, मल्लिका होटल से खाना भी मंगाएंगे। तेरी जात क्या।
देख लो भैया, मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया। थैंक्स देवा। ओ ए, हटो, मुझे सामान रखने दो। अरे टेलीस्कोप, तेरे लायक की नहीं है रे। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? इसे कान में लगाते हैं। ये अभी भी काम नहीं कर रहा? अरे दूसरे वाला लगाना। अरे बाप रे, काम कर रहा है ना, ला दे मुझे। सब हो गया। ये क्या? अरे कॉलेज का एल्बम। लाओ देखने दो। अरे मुझसे क्या पर्दा। वाओ, तुम्हारे कॉलेज में कमाल की लड़कियां हैं यार। तुम क्यों कोने में खड़े हो? फर्स्ट ईयर था ना, सब नए नए थे। अरे ये लड़की राइस मिल वाले की बहन है ना? हाँ। सनकी लोगे भाई, इनसे दूर ही रहो। यहाँ का भी यही हाल है, देवा का प्रिया के साथ 36 का आंकड़ा है। झगड़ा करने वाले ही बाद में प्यार करते हैं। हाँ, मैंने भी ये बात स्कूल में पढ़ी थी। वो साइंस है, ये लाइफ है, गलती से भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहा है? वो सेकेंड ईयर था, मेरे फेस पे कोई चेंज है? फेस ही नहीं, प्लेस भी चेंज हो गया है। ये थर्ड ईयर की है क्या? हाँ। अरे इसमें क्या गैप ही नहीं है? बात क्या है? चल बहुत हो गया, मेरा एल्बम मुझे दे। अरे भैया रुको। अरे तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम में आग लगी हो। नहीं बिल्कुल नहीं। रुको। अरे 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 अरे, आग लगी है? कहाँ आग लगी है? तू जा। कहाँ आग लगी है? दूर 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 हटो मुझसे। एक बाल्टी पानी डाल दे, आग बुझ जाएगी। सुनना, छोड़ना। आज मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। रुकना माँ। क्या है वो, क्यों चिल्ला रहा है बिना? अरे बाप रे, इसके बदन में इतनी गर्मी, 1000 वाट का झटका लग गया। अब तो एक बाल्टी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तुमने अपने घर में हमारे प्यार की बात की? तुम्हारा नाम लेते ही प्रिया भड़क उठती है, तो प्यार की बात कैसे करूं? तो क्या करेंगे? तुम ही जाकर अपने घर वालों से बात करो ना। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे भूल जाओ। अरे शुक्रिया। हाँ, गाँव के सारे लोगों को यहाँ एक साथ देख कर बहुत खुशी हो रही है। कहीं ये तुमने तो नहीं बनाया? मैंने खुद अपने हाथों से तो बनाया। चाहिए। ए, रुकना, माजी ने बनाया है। हाँ तो ठीक है, ये ले। ये कैसा है देवा? मैंने ही बनाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। और कितना टाइम लगेगा यार, पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमसे बोल के। तो फोटो का मामला ये है। ए, क्या कर रहे हो? अरे दीदी छोड़ो ना। दीदी कहाँ? यहाँ कोई नहीं है, मैं तो हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी दीदी को हाथ लगाते हो? तुम्हारी हिम्मत? एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के लिए यही है ना, सबके सब बदमाश है इसकी फैमिली में। मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़कियों की तरफ पेशाना सीखो। प्रिया बिटिया को मारता है। देवा, बात क्या है? इसने प्रिया बिटिया पर हाथ उठाया भाई। क्यों रे, तूने इसे मारा? मारा बाबूजी। लड़कियों पर हाथ उठाता नालायक, क्यों मारा उसे? वो लड़की है, भूलकर गुंडों की तरह पेश आ रही थी इसलिए मारा। सुनो, मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से ये सही नहीं है। लड़की को अकेला पाकर देवा ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा होगा। लड़की मान जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये लड़की तो गर्दन काटने वाली तलवार की तरह तेज निकली। आखिर में इसने उसे मारा होगा। क्यों साले, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या है, आपने सच ही तो कहा। मुंह बंद कर, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। सुनिए, आप जितना सोच रहे उतना आपका बेटा मासूम नहीं है, आगे से उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आज तक ये आवारा बना फिरता रहा? मेरी परवरिश के बारे में सारा गांव जानता है। आपने कैसे परवरिश की और वो कैसे पला है वो तो देख रहा है। चलो। गांव में जब भी कोई फसाद होता है तो उससे सबसे पहले तेरा नाम जुड़ा रहता है। कोई गुंडा या मवाली बनने का इरादा है? रवि भाई, आप उसके बारे में नहीं जानते, पता है वहां क्या हुआ था? कुछ भी हुआ, न्याय करने वाला बड़ा आदमी अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालेगा ही। किसी परदेश से आए हुए लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, उनके मामले में मेरी जानकारी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। अनजान लोगों से हमें क्या लेना देना? ज्यादा मत सोचो,
बाबूजी का जिससे झगड़ा होता है उसकी शक्ल भी नहीं देखते। उस लड़की को भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। अब समझ में आया ये देवा की फैमिली कैसी है। भैया मरते दम तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ये प्यार व्यार भूलकर एग्जाम में ध्यान लगाओ, फिर कभी उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। प्रिया। हाँ भैया। त्रिशा का फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। उसकी किसी फ्रेंड का नंबर है? मेरे पास उसकी रूममेट का नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं प्रिया, त्रिशा की बहन। दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप उन्हें फोन देंगे प्लीज? तुम्हारी दीदी यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो कहाँ गई दीदी? सॉरी प्रिया, ये बात कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गाँव से आने के बाद अचानक त्रिशा और आनंद के बर्ताव में काफी बदलाव था। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बेटर है ना। क्या करूं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उनसे डरकर हम जुदा भी नहीं रह सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। कहां गए वो दोनों? नहीं जानती प्रिया। बड़े भाई की ऐसी करतूत और छोटा भाई क्या कर रहा है देखो। स्टॉप, पद्मा को जाने दो। ए पद्मा, बॉल डालता हूँ विकेट गिरेगी। शॉर्ट्स पहनकर आईपीएल की लड़कियों की तरह मस्त ठुमके लगा रहे, इधर आके खड़ी हो जा। मुझसे पंगा लिया ना, भगा भगा के मारूंगी बदमाश कहीं का। देवा, क्या हुआ? बॉल नहीं आई तो खुद ही चली आई। मैं मारूंगा, तू जा, तू जा। ए! इस टोन से तो लगता है झगड़ा करने आई है, इससे तो मैं नहीं पड़ता हूँ। तुम लोग खेलो। ए बॉल फेंक रहे। क्या हुआ, गला क्यों फाड़ रही थी? कैसे इंसान हो तुम लोग, मोटे मोटे चश्मे भोली सूरत रखकर कितना नाटक करता है तुम्हारा भाई। नहीं जानती थी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो। क्या हुआ, मेरे भाई ने तेरी बहन का स्टेथोस्कोप चुरा लिया क्या? लेकर गया वो। मतलब? नहीं समझे क्या, दीदी को लेकर भाग गया। अरे पता था तेरा खानदान पागल है, मेरा भाई एक बियर बॉटल नहीं ले सकता, तेरी बहन को लेकर भाग गया। तेरी बहन ही उसे लेकर भागी होगी। मजाक मत कर, मेरा भाई सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अरे मेरा बाप तो मर ही जाएगा। अब क्या होगा, क्या करूं, उसे कहां ले गया होगा? टीवी न्यूज वाले रमेश अंकल के पास या फिर छोटे नाना के पास? LSR के LSR। सही अंदाजा लगाया है तूने। तेरे बाबूजी की मर्जी के खिलाफ अगर कोई ये शादी करवा सकता है तो वो मैं हूँ। जाने अनजाने में तूने तीन अच्छे काम किए हैं। पहला प्यार किया, दूसरा भाग आया, तीसरा मेरे पास आया। अब मैं चौथा अच्छा काम करने वाला हूँ, वो है तुम्हारी शादी। ओके बेटा, बेटा तो यहीं बैठा है ना, आने देखो तो। हेलो, देवा बोल रहे हो ना? हेलो चाची जान, वहाँ भैया आया है क्या? आया है बेटा, मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी। उसके साथ कोई लड़की भी है? हाँ बेटा, और तुम्हारे चाचा उनकी शादी कराने का प्लान बना रहे हैं। चाची तुम जाकर आहिस्ता से चाचा के पास खड़ी हो जाओ। ये सारे बड़े एक होते हैं, यंग जनरेशन की फीलिंग्स नहीं समझते। उनकी नजर में प्यार आसमान मोड़ने वाले हवाई जहाज की तरह एकदम छोटा है। उसके लैंड होने के बाद पता चलता है कि उसकी रेंज क्या है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आधा किलोमीटर की दूरी पर आर्य समाज है, मैं ही तुम्हारे साथ चलकर आज हमारी शादी करवा देता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुनो जी, मुझे सुनहरा मौका मिला है, इन दोनों की शादी कराकर अपने बड़े भाई से पूछूंगा कि अब मेरे लिए क्या फैसला करते हैं। वो देवा साइज में इतना सा है, लेकिन मेरा नाम LSR रख दिया है और मेरे लिए ट्रस्ट खोल कर रख दिया है। अबे LSR, इतना बड़ा प्लान बना रहा है? सुन लिया ना बेटा। सुनो चाची, कैसे भी आज उनकी शादी रोक लो, कल मैं वहाँ जाऊंगा। शादी? कैसी शादी? वही जिसमें मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछुआ। ये क्या कह रहे हो, उनकी शादी हो गई? हाँ बस उसी में लगे हुए, हमें जाके सुहागरात का इंतजाम करना है। मजाक मत करो, वो लोग कहाँ है बताओ। अरे वाह, तुझे एड्रेस देकर टिकट देकर गाड़ी में बिठाऊंगा तो तू जाके अपनी बहन को लेकर आएगी और हम तुम्हें रिसीव करने के लिए पागलों की तरह यहाँ इंतजार करेंगे। बेकार की बहस मत कर, हम दोनों साथ जाएंगे, तू अपनी बहन को ले आएगी, मैं अपने भाई को ले आऊंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दोपहर को बोट जेटी पर आ जाना। इतना भाव खा रहा है ना, इसे ठीक कर छोड़ूंगी। क्या हुआ, त्रिशा से बात हुई? बात हो गई भैया। हुई बात? तो कहाँ है वो? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भद्राचलम गई है। भद्राचलम किस लिए गई है वो? उसने मन्नत मांगी थी कि एग्जाम्स अच्छे गए तो श्री राम के मंदिर में पूजा कराएगी। मुझे बताकर जाना चाहिए था, मंदिर जाने के लिए मैं मना थोड़ी करता।
आप जानते हो ना भैया, आपसे बात करने के लिए भी वो कितना डरती है। मुझे भी बुलाया है, मैं जाऊं भैया? बिल्कुल नहीं। प्लीज भैया, मंदिर ही तो जाना है। शिवा। हाँ भाई। एक मिनट शिवा, तुम एक काम करो, तुम्हें प्रिया को लेकर भद्राचलम जाना है, तैयारी करो। अच्छा भाई। मुझे कोई डर नहीं है भैया, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम जा। डर तुझे नहीं है प्रिया, मुझे है। जाकर कपड़े पैक कर लो। ठीक है भैया। भद्राचलम चलने वाले, आ जाओ आ जाओ। जाते वक्त शाहरुख की फिल्म दिखाएंगे और आते वक्त नेहा धूपिया। बोट कब निकलेगी यार? अभी निकलेगी। वहाँ पर प्रिया खड़ी खड़ी किसके लिए वेट कर रही है? मेरे लिए ही। अब मैं जो भी कहूंगा वो करेगी। अरे तू बॉल मांगता है तो नहीं देती, तेरा कहना क्या मानेगी? वो कल तक था, आज वो टीवी है, मैं रिमोट हूँ। क्या देख लेना। अरे ये क्या कर रहा है, उस बोट में क्यों जा रहा है? क्यों रुक गए बिटिया, लॉन्च निकल जाएगी। रुको चलते हैं। किसकी राह देख रही हो? रुको, आती है कि नहीं, कब तक इंतजार करूंगा? लॉन्च चली जाएगी, जल्दी करो, चलो चलो चलो। अरे भाई भद्राचलम जाएगी, चलो जल्दी करो, आओ ना। अरे नीचे क्यों बिटिया, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हवा अच्छी आ रही है शिवा, तुम चलो तो। चलो ना। क्यों बे, देख लिया ना, वो तो ठीक है, तू इधर आ। बिटिया बिटिया, ये लोग इस बोट में, हम दूसरे बोट में चले गए, चलो। नहीं नहीं शिवा, रुको रुको, इसी में जाएंगे। मान जा बिटिया। अरे अरे वो तो वहां, शिवा हम भी उसी बोट में जाएंगे। अरे बिटिया, चलो, 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 जाने के लिए। बिटिया बिटिया इसी में चलते हैं। बिटिया संभाल के, गिर जाओगी। बिटिया संभाल के, तुम फिक्र मत करो भैया। अरे यार तू कुछ करना, ये डूब गया तो अपने गांव का नाम खराब हो जाएगा। वो डूब गया तो गांव का नहीं, उसी का नाम खराब होगा। अरे अरे कुछ करना देवा, प्लीज। अबे ओए शिवा, तुम फिक्र मत करो प्रिया, उसका और तुम्हारा डोडी किट निकाल कर रखा है, तुम पैसे दो। इसके लिए भी अलग पैसे लूंगा, लेकिन टिकट नहीं दूंगा। शिवा तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं बेटिया मैं ठीक हूँ। अरे यार तेरे पास गुस्सा ज्यादा और अकल कम है, ये मुझे फॉलो करेगी, तू इसे फॉलो कर। क्या बेटिया, चलो। क्या रे, तू जहाँ जा रहा है वहीं आ रही है वो? दोनों ने भागने का प्लान तो नहीं बनाया? तेरे बाप को पता चला मेरी बोट से भागे तो मेरी चपाती बना देंगे। ए बकवास मत कर, मेरे भाई के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। और ये अपनी बहन को लेने जा रही है। ज्यादा मत सोच। अरे बोट चल पड़ी यार, सब आ रहा हूं, आ रहा हूं। चल चल जाके अपना काम कर। हाँ चाची। बेटा आज तो शादी रुक गई है। थैंक गॉड। कैसे रुकी चाची? अबू अबू, ये सरदार लोग मुझे मारने आ रहे, मुझे बचा लो। अरे तुम सब यही खड़े हो, चलो अंदर। क्या हुआ, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? चुप के बैठा अंदर, आज तेन छटा के नहीं अच्छी रोकी। शादी का टाइम हो गया है, दरवाजा खुलूंगा तो ये लोग सर काट के गुरुद्वारे में लटका देंगे। आखिर क्या क्या है इसने? क्या पता? ए, इधर। उनसे क्या बोला तूने? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला अबू, सरदार की बेटी को फिल्म देखने के लिए बुलाया बस। नहीं अरे सारे लोग किए थे, बैठो। अम्मी मैंने अच्छा किया ना? सुपर, तेरे अबू तो नालायक है, तू तो अकल का टोकरा है। कहीं इनकी शादी का दिन मेरी मौत का दिन ना हो जाए, अब इनकी शादी कैसे होगी? आज तो तुम्हारे चाचा घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, तुम कल तक आ जाना। अब हमारे जल यात्रियों के मनोरंजन के लिए प्रोग्राम है। वही। अरे बताओ ना वो कहाँ है? ए, तुझे बहन चाहिए कि एड्रेस चाहिए? बहन चाहिए। तो मुंह बंद करके बैठ। ए, क्या बात है बढ़िया, क्या बोल रही है? ए, मुंह बंद करने को बोला, तू भी वही मेंटेन करे तो अच्छा है। शिवा शिवा चुप हो जाओ, इसी तरह इसे कंट्रोल में रखो। चलो सीतापुर आ गया, सीतापुर वाले उतरो। शिवा वो दीवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो देखो जा रहा है। चलो अच्छा पीछा छूटा। वो पीछा नहीं छोड़ सकते, तुम जल्दी बैग लेकर आओ, जल्दी करो। अरे सुनो सुनो, पैसे दो दो। अरे जाओ बिटिया। अरे बिटिया रुको, कहाँ जा रही है बिटिया? जल्दी करो, जल्दी आओ, मेरे साथ आओ। बिटिया बिटिया रुको रुको बिटिया, हमें जाना है भद्राचलम, तुम यहाँ क्यों उतर रही हो बिटिया? नहीं कुछ भी हो जाए हमें उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, वरना दीदी नहीं मिलेंगी, तुम चलो। दीदी कैसे नहीं मिलेगी बिटिया, वो तो भद्राचलम में है ना? नहीं दीदी भद्राचलम नहीं गई है, इसके भाई के साथ भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया, अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अभी तक भैया को नहीं बताया? चलो मेरे साथ, चलो। भैया को ये बात पता चली तो सह पाएंगे क्या? ऐसा सोच कर हम चुप बैठेंगे क्या? चलो चलो मेरे साथ। नहीं कुछ नहीं होगा, उसे पता है कि दीदी कहाँ है, भैया पूछेंगे तो बता देंगे कि भद्राचलम जाकर आ रहे हैं, चलो जल्दी चलो। ओहो शिवा जल्दी चलो, लगता है ट्रेन निकलने वाली है, देवा चला ना जाए। देवा हम आ गए। कब से वेट कर रहा हूँ, चलो।
अरे वो सब मेरे पास है, चलो ट्रेन निकल जाएगी। बिटिया संभाल के। शिवा जल्दी आओ। क्या टेंशन में आ गई? बिना टिकट का सफर करता है? सर सर सर, मुझे जल्दी गाड़ी में चढ़ना पड़ा सर, अगले स्टेशन में टिकट ले लूंगा। 25 साल से यही सुन रहा हूँ, सब यही कहते हैं। चाहिए तो अभी पैसे ले लीजिए सर। पैसे दोगे यानी मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब इसकी बारी है, तैयार हो जाए। ये क्या कर रहे हो, टिकट नहीं लिया क्या? अरे वाह, मेरा यही काम है क्या? तुमसे वादा किया था, तुम्हारा लिया, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसे ले जाइए, अभी जाओ पीछे, तुम लगा के जाना जरूरी है क्या? वो टीसी आ रहा है, कुछ करो ना प्लीज। एक काम कर यार, उनके आने से पहले तू ट्रेन से कुछ जा, तेरा काम होगा। अबे प्लीज देवा, क्या करना है बताओ। ठीक है, शर्म वरम सब छोड़कर बाथरूम में छुप जा। मैं बाथरूम में क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। शिवा चलो चलो मान जाओ, तुम जाओ ना प्लीज, देखो टीसी आ रहा है। चलो 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 चल। ओए टिकट आपकी। ये क्या, मुंबई लेकर क्यों आया तू? मुंबई आने वाली गाड़ी मुंबई नहीं तो क्या बैंगलोर जाएगी? कैसा पागल है तू, मेरे चाचा जी मुंबई रहते हैं। चुपचाप मेरे पीछे आओ। तुम जल्दी बैग्स लेकर आओ, हमें उसके पीछे जाना है। बिटिया, प्रिया बिटिया, प्रिया बिटिया मेरी बात सुनो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। चलो। अच्छा, ये यहाँ का बादशाह है, इसका फ्लैशबैक भी है, यहाँ इसकी प्रजा इंतजार कर रही है, आना है तो आओ वरना मत आओ, मैं चला। उस वक्त जो भाभी के साथ हादसा हुआ वो रोज रोज थोड़ी ना होता है, तुम जल्दी चलो। रुको बिटिया, बिटिया 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 बेटिया मेरी बात सुनो बेटिया, हमें मुंबई नहीं आना चाहिए। प्लीज शिवा, वो चला जाएगा, समझते हम उसके पीछे क्यों जाएंगे। बेटिया रुको, मैं भाई से बात करता हूँ। वो शिवा पागलों जैसी हरकत मत करो, चलो मेरे साथ, हम दीदी को लेकर ही जाएंगे। बेटिया देवा, तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो गया, चलो। आओ आनंद, आज तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, आज मामूली मुहूर्त नहीं महाचमत्कारिक मुहूर्त है। बाहर को यह है, मुझे रखो, आजो। चाचा जी कितने साल हो गए आपको देखकर, आपके बिना गांव सुना सुना है, चाची और मुन्ना का है। चाची रुक रुक, ये ओवर एक्टिंग बंद कर, क्या लेने आया तू, ब्लड चाहिए या किडनी, कौन से ट्रस्ट में जाकर देगा? ओ चाचा जी ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो? अरे काहे का चाचा, मैं तो LSR हूँ ना, लॉस्ट सुबोधराज, चल जा यहाँ से। जाता हूँ चाचा जी, लेकिन जाने से पहले एक बात, आपका ये दिल दरिया है समझकर आपके पास मदद लेने आया हूँ। आप ही से इंस्पिरेशन लेकर मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसे भगाकर आपकी शरण में आया। भगाकर लाया है? कहाँ है वो लड़की? प्रिया। ये कौन है? ये हम दोनों का मीडिएटर, मतलब ब्रोकर। ब्रोकर? ठीक है चाचा जी, मैं मुंबई में दो ही जगह जानता हूँ, एक आपका घर, दूसरा समंदर। आपने मना कर दिया है तो समंदर में डुबकी लगाने जाता हूँ, चलो प्रिया। अरे अरे रुकना, वो तो मैंने गुस्से में डांट दिया था। ये आनंद, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तेरा भाई देवा भी एक लड़की को भगा कर लाया है। भगा? चाचा जी वो झूठ बोल रहा है, वो हमें ले जाने के लिए आया है। नहीं रे, वो तो पक्का ब्रोकर के साथ आया है। वो ब्रोकर नहीं, वो मेरे भाई का खास आदमी है और वो लड़की मेरी छोटी बहन है। मुझसे पटती नहीं है, इतनी बड़ी चालाकी, तुम कहाँ जा रही हो? देवा के पास। अब तुम्हारे नाम से उन्हें चकमा देना है। सुल्तान सुल्तान, तेरी माँ कहाँ है? देखो गाँव से देवा आया है। दरवाजा बंद कर दिया। चाचा जी चाचा जी दरवाजा खोलो। अरे तेरे गांव की होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी, मैं मुंबई में रहता हूँ, चलो आजा सब, आजा सब लोग, चलो जल्दी, आधे घंटे में आर्य समाज में शादी होगी, कैसे रोकोगे देखता हूँ। अनिल भैया, अनिल भैया मेरी बात सुनो।
सर। तो जल्दी चलो। चाचा जी जल्दी जल्दी भैया कौन रोकता है, मैं देखता हूँ। ये क्या है जी? मंत्र नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, ऐसे में मंगलसूत्र? हमारी शादी में ये सब था क्या? हमने गृहस्थी नहीं चलाई, इस गधे को पैदा नहीं किया। मुंह बंद रख तू अपना, बोले तू पहना ना। देवा अभी तक आया नहीं, रुक जाओ। ओए, ऐसी शादी में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, तो पहना। चाचा जी, ये यहां कैसे पहुंच गया? ये सब क्या है? शादी कर रहे हो? तो बाबू जी कहां है? मां कहां है? तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें पैदा करने के लिए, पालने पढ़ाने के लिए वो सब चाहिए, शादी में उनकी जरूरत नहीं? गांव में किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य हमारे माता पिता के बिना नहीं होता, और हमारे ही घर की शादी में वो दोनों मौजूद नहीं? शादी होने के बाद मिलेंगे। चाचा जी, तेरी शादी को लेकर माँ के मन में कितने अरमान है जानता है तू? कितनी तैयारियां करनी है, कितने गहने खरीदने हैं, कितनी साड़ियां खरीदनी है, ताकि घर में आने वाली बड़ी बहू महालक्ष्मी की तरह सजे, और अपने बाबूजी अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारी में शादी का मंडप, निमंत्रण पत्र, हजारों पकवानों की दावत देके शादी हो तो ऐसी, ये गर्व से दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तेरी जल्दबाजी से उनके अरमानों की चीता नहीं जलेगी? क्यों त्रिशा, भागते वक्त तुम्हें तुम्हारे भाई की एक बार भी याद नहीं आई, जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है? सुबह से लेकर शाम तक मुझसे लड़ने वाली तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे घर की इज्जत बचाने के लिए जिल्लत सहती हुई मेरे साथ आई है, उसके जितनी भी अकल नहीं है तुम्हें। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम से भागना गलत है। इस गलती को सुधारने के लिए एक जन भी कम पड़ता है। अपनों से दूर रहकर खुश होने का नाटक तो सब करते हैं, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी में कितनी घुटन है, जिंदगी कितनी वीरान है, ये बात चाचा जी से पूछ लो। आखिर में मैं एक ही सवाल करूंगा, हमारे पूजनीय बाबू जी दुनिया वालों के सामने सर उठा के जिए या सर झुका के जिए? हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाप की मौजूदगी में हमारी शादी हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। मेरे सीने पर रहने वाले दोनों भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मां और बाबूजी को मनाकर तुम्हारी शादी मैं करूंगा, भरोसा रखो। ये क्या, इनकी गाड़ी से टकराए थे, इनको सॉरी भी बोला था, फिर भी पूरी पलटन के साथ आ गए। कैसी अनोखी कहानी फैलाई थी कि अशोक की पूरी फैमिली मर चुकी है। अब मैं उस कहानी को सच बनाता हूँ। क्या रे? एनी प्रॉब्लम? इसे मारना है क्या? जिंदा चीरना है। सुनो बॉस, तुम्हारा उसके साथ क्या झमेला है मैं नहीं जानता, और जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे भरोसे यहाँ आया है, अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। मारोगे? इससे खाली फोकट क्या बात करना है? क्या लो, भून कर रख दो सालों को। मैं रोकता हूँ शिवा, तुम सबको लेके गाड़ी में निकलो। जाओ जल्दी जाओ। मुंबई से बाहर नहीं जाने चाहिए। पकड़ो, सबको पकड़ो। तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे, उतरो।
ए, कहां है तेरा अशोक? हाँ चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए साहब, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा, अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना? अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरे बेटा, ए? ए? मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस दिवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई, उसके चार आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है, पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ, पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है, बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब, मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। ए, कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। बाप रे, तू जंगले की वजह से हम सब की जान बच गई। बेटा अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है, इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया। मर गया चाचा। डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है, थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर जाता। अरे छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा इस लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत, और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया, भगवान भी हमें बीच मजार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स मैं दिखता हूँ। बहन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ, आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई अब उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है, छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म, शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना।
बात कर मोर। सेम प्रॉब्लम। ए, इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर, शहर के बाहर पहुँचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई, अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। ए, फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी बैठो। ए, पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा, शहर से बाहर निकलते ही बॉडी मिल जाएगी। क्या भाई, बॉडी बोल रहा है? अबे चुप, मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो। आखिर तुम लोग का क्या लफड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बॉस माथे पे टीका लगा के शरीफ बन के घूमता है। धंधा क्या था तुम्हारा हमारे गांव में आने से पहले? स्मगलिंग या मर्डर? इनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? बोलो शिवा, हमें इंदौर में पढ़ने के लिए भेजकर तुम लोग मुंबई में क्या काम कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि भाभी की मौत भी तुम लोगों के झगड़े की वजह से हुई है। मालूम पड़ता है भैया बहुत बड़े क्रिमिनल है। बोलो शिवा। बिटिया, भाई के बारे में कुछ मत कहना। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई गलत काम नहीं किया तुम्हारे भाई ने। 10 साल पहले तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने जानती हो तुम? तुम दोनों को इंदौर में हॉस्टल में रखकर तुम्हारे लिए वो दिन रात एक होटल में मजदूरी करते थे। उन दिनों एक बार त्रिशा बिटिया के जन्मदिन के लिए भाई ने इंदौर जाने का प्लान बनाया। मैंने कहा ना अशोक, पगार तो दे दूंगा पर एडवांस नहीं दे पाऊंगा। ये लो अशोक, बहन के जन्मदिन पर तुम खाली हाथ जाओगे तो उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ। इसे रख लो। पवार का भाई? सलाम भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता। बुलवाना क्या रे, पता चला है कि यहाँ कुत्ते भौंकने लगे हैं, उनको टपका के फोटो खिंचवाने आए हैं। जाओ रे, लेके आओ सियाणों को, बहुत भूख लगी है। पराठा बनाओ, चिकन बनाओ। भाई चिकन मटन खत्म हो गया भाई, खाली वेजिटेरियन। मुंह खोला तो सर काट डालूंगा। शांत हो जाइए, आप बैठिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ। अशोक, कस्टमर आया है, तुम्हें चिकन और पराठा बनाना होगा। ट्रेन का टाइम हो गया सर। पता है कौन आया है? पवार का भाई है। तो क्या हुआ? ये बात नहीं अशोक, उससे पंगा लेकर कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, और हमने ये बिजनेस छोड़ दिया ना तो मैं और मेरी बहन दोनों सड़क पर आ जाएंगे। अशोक ए, चल। ए, साले, चल। अबे साले, तुझे मुंबई की हवा लग गई क्या? चल जल्दी। चल। रोटी अच्छी बनाइए साहब, खाइए। सर ट्रेन का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अबे ओए, तू क्या होशियारी दिखा रहा सुअर की औलाद? तू नहीं तो क्या तेरा बाप खिलाएगा खाना? ए हीरो, खाना खिला जल्दी। अशोक, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। भैया देख लेना। ए, तुझे देखकर उसे छोड़ दिया और अपन को छोड़ के तू जा रही है? चल खाना खिला, तू जाके मिर्ची लेके आ। अभी लाए। तंदूरी चस्क पीस बहुत बढ़िया है। मारो सालों को अशोक भैया, इन कुत्तों की धज्जियां उड़ा दो। मुंबई में पवार के भाई पर हाथ उठाया कौन है बे तू? मुंबई तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है और ना ही यहाँ के लोग तेरे पैरों तले दबने वाले जूते हैं। अगर पब्लिक ने हिम्मत दिखाई तो पागल कुत्ते की तरह तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और सुन, आज के बाद मैं इनका रखवाला हूँ, फिर कभी तेरे आदमी यहाँ दिखाई दिए तो तू जहाँ कहीं भी छुपेगा तुझे ढूंढ कर मारूंगा। चल फोट, मैं तुझे देख लूंगा।
हार का सामना करने वाले अशोक भैया को पब्लिक का सपोर्ट मिला। उस दिन से अशोक भैया दुनिया की नजर में डॉन बन गए। अशोक भैया से अशोक भाई बन गए। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हमी को मिलना चाहिए। ए, कौन है वो पावर? हाँ, उसे अपना पावर दिखाओ। भाई का सामना नहीं कर सका, इसलिए पवार एक दिन नमस्ते नमस्ते बैठिए। लिसन डाउन, बोलिए डीआईजी सर, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी को पवार के आदमियों ने किडनैप किया है। प्लीज डैडी, जल्दी आओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, प्लीज आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ डैडी प्लीज। उनके डिमांड क्या है? कुछ रुपए पैसे। आपको अरेस्ट करने की डिमांड है। आपको अरेस्ट करके एफआईआर फाइल करने के बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लड़की इनकी है तो आप क्यों अरेस्ट होंगे भाई? शिवा, मेरी भी दो बहनें हैं, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। सब भगवान को मंदिर में रखते हैं, मैं हवालात में रख रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा अच्छा किया डीजीपी, हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर, आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा? हाँ भाई बोलिए। अशोक का मामला खत्म हो गया, उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की, एक छोटी गलती हो गई भाई। पागल है क्या? ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम। शिवा भाई, इसका पोस्टमार्टम होने से पहले ही सबको खत्म कर दो। जिस दिन तुम लोग इंदौर से मुंबई आए, उसी दिन उन लोगों ने भाई पर निशाना लगाया, लेकिन भाभी बली हो गई। गौतमी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। आज तक उनकी असलियत ना जानकर उन्हें बहुत सताया है, पर अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्या हो रहा है? कोई बाहर मत आना। शिट! भाई निशाना सही लगाया ना? निशाना चूक गया रे, गोली वहां नहीं यहां चला दी। मुझे पागल समझा क्या? मैं गोली नहीं चला सकता, मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। मेरा बेटा जो उस गाड़ी में बैठा है, उसे कुछ हो जाता तो? मेरी गलती नहीं है, गोली चलाया इसने और इसे मैंने शूट कर दिया। लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। 5 मिनट में गाड़ी का इंतजाम करता हूं। चल फोन करना, फोन कर, फोन कर। 5 मिनट के अंदर गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। पुलिस आ रही है। देखा पुलिस आ रही है, हम गाड़ी में लाश रखकर घूम रही है, कहकर पुलिस हमें तो डालेगी बेटा। उधर पवार को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया है तो वो हमें चिड़ियों की तरह उड़ा डालेगा। कम ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या है बताओ? गाड़ी में आदमी है, आदमी गाड़ी में है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई पुलिस, लाइसेंस है आपके पास? अबे ओए, ये अपनी गाड़ी है, चलो जाओ यहां से। ठीक है भाई, चलो चलो चलो। चाचा एक मिनट संभालो। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तू संभालना। ए,
भाई। वो देख। अरे उसने देख लिया, अब क्या होगा देवा? अब दिखा देते हैं कि भागते कैसे हैं। चलो लिए? अगर तुम वक्त पर ना आते तो जो हो चुका उसे भूल जाओ, जो होना है उसके बारे में सोचो। अब हमारी एक ही प्रॉब्लम है, इन दोनों परिवारों को मिला के इनकी शादी कैसे कराई जाए। ये इतना आसान नहीं है देवा। उस पवार ने हम पर हमला किया, अगर ये बात भाई जान गए तो वो इस गांव में नहीं रहेंगे। मेरे बाबूजी ये सब जान गए तो गांव में रहने भी नहीं देंगे। इनकी शादी हो जाने तक ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी। हाँ। आपको हिफाजत से मुंबई मैं भेज दूंगा। तू मुझे हिफाजत से भेजेगा? वो पवार के आदमी मेरी लाश को हिफाजत से कब्रिस्तान भेजेंगे। अब्बू की लाश? कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। डिशुं, डिशुं। मेरा बाप मर गया, बाबा मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया, 2 रुपए दे दे बाबा। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी नहीं जी, तुम्हारे बारे में सोच के इसे सदमा लगा है। तुम कहीं मर ना जाओ यही फिक्र है इसके मन में। मतलब मैं पहले से ही मर गया सोचकर हाँ? मेरी लाश को बीच सड़क पर रखकर भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे चाचा, जैसे जैसे किनारा पास आता जा रहा है आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। सुन प्यारे, मामला ठंडा होने तक मेरे चाचा जी को तू अपने लॉज में संभाल के रखना। रखोगे? अब टेंशन मत लो चाचा, सीतापुर दिखाऊंगा, भद्राचलम भी घुमाऊंगा। भैया अरे त्रिशा भैया, बात क्या है, रो क्यों रही? अरे कुछ नहीं भैया, ये आपको बिना बताए भद्राचलम चली गई थी ना, तो इसे बुरा लग रहा है। बस इतना ही है ना। देखो तुम दोनों अब छोटी बच्ची नहीं रही, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने लायक हो गई हो। वैसे भी तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की।
ऐसे क्या देख रही हो दोनों? आज आप कुछ अलग से दिख रहे हैं भैया। अलग सा दिख रहा हूँ? बेटा आनंद, तू कब आया बेटा? आ गया आनंद। तू अच्छा आ गया बेटा। बताना क्यों बेटा? इम्तिहान खत्म होकर 3 दिनों के बाद आया है। दोस्तों ने रोक लिया था क्या? हाँ बाबूजी। बाप रे, लगता है सब ठीक हो रहा है। माँ, अरे भैया तुम कब आए? तुम तो दुबले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं क्या? क्यों भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा रिजल्ट का सोच के, डरो मत सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ घूम के आते हैं। तू इन 3 दिनों के लिए कहाँ गया हुआ था? बाबूजी मेरे दोस्त की शादी थी। घर में माँ बाप को बोल के जाना चाहिए, इतनी बेअकल नहीं तुझे? आ तो गया ना, अब क्यों डांट रहे हैं? राजश्री, इसे तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मेरे भाई की करतूतों ने मेरे सर को झुका दिया है। ये 3 दिनों तक गायब रहा तो कौन सा गलत काम कर रहा है ये सोचकर मैं कितना परेशान रहा जानती हो? हाँ, बड़ा बेटा होने के नाते अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर इस घर की इज्जत बढ़ाना चाहता है। तू इसका छोटा भाई होने की वजह से ऐसा कोई काम न करना जिससे इसे शर्मिंदा होना पड़े। मैं खाना देखती हूँ। ए देवा, जा तू अपने कमरे में जा। सॉरी देवा। चुप हो जाओ, कोई देख लेगा। तुम्हें पिताजी से डांट खानी पड़ी। पिताजी से ही ना? बोलो चाचा जी, ये घर पसंद आया? वाह सुपर है, इस चाचा को तो बहुत चाहता है ना भतीजे। सुनो जी, आज से हमारा हर रोज हनीमून है। अच्छा, घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं ना? ये सब आपके हाथ में है चाचा जी। अरे ये क्या, ये यहाँ पर, ये हमारे घर में काम करने आए हैं क्या? नहीं एले सर, इनके यहाँ काम करने के लिए तो मैं रख रहे हैं, ये इनका घर। क्या समझा रहे मेरे बारे में? सगे चाचा को दूसरे के घर में काम पर रखकर भाग जाने वाले भाई को अपने घर पे ले जाकर रखा? अभी जाकर आनंद का भांडा सबके सामने फोड़ देता हूँ। ठीक है जाओ। तुम्हें नहीं इनको ये गलत आइडिया देकर इनके आर्य समाज में शादी भी कराने वाले थे ये कहूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गोदावरी में बहा देंगे। चाचा अशोक साहब आ गए। कौन है ये सब? नमस्ते सर। कुछ नहीं, बस आपकी बहन इनको काम पर रखने लाई है। पता नहीं ये लोग चोर लुटेरे हैं या बच्चों को उठाने वाले हैं या टेररिस्ट हैं, इसलिए गांव बदनाम हो जाएगा ये सोचकर मैं मना कर रहा हूँ। भाई बात यह है कि ये हमें भद्राचलम में मिले थे। बेचारी उसकी पत्नी और उसके पति दोनों बोट दुर्घटना में गोदावरी में बह गए। दोनों वहाँ बैठ करके रो रहे थे तो बिटिया इन्हें अपने घर पे काम पे रखने के लिए लेकर आ गई। इतने में देवा बीच में आ गया। प्रिया अगर तुम चाहो तो ये यहाँ रह सकते हैं। आइए आइए, आपका नाम क्या? एले सर। एले सर का मतलब? लॉर्ड सुबोध राज नहीं है, आप सुबोध बोल सकते हैं। मिस्टर सुबोध जी, यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। ठीक है सर। देखो ये आउट हाउस में रहेंगे, ले जाओ इन्हें। अच्छा थैंक यू सर। नमस्ते। अरे शिवा, इनको आउट हाउस में ले जाओ। बहुत अच्छा। और प्रिया इनको अंदर ले जाओ। ये देखो यही आउट हाउस है। तेरा इरादा, आखिर ये कहानी क्या है? मेरी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया, ये सब ड्रामा किस लिए है? सिंपथी के लिए चाचा जी, हम सब मिली भगत हैं ये जान गए तो वो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देते। झूठ बोलने से हमारा काम हो गया। कौन सा काम हो गया रे? मैं यहाँ, बेगम वहाँ, हम दोनों के बीच ये फासला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा फासला रखना ही पड़ेगा। चप्पल मारूंगा साले। तू कुंवारा है, तू क्या जानेगा ये सब? मैं खाने के बिना सो सकता हूँ, लेकिन बेगम से प्यार की तो बात किए बिना नहीं सो सकता। ये कैसा खेल है? मेरे बच्चे को मरे पूरे 10 दिन हो गए। वो कौन है, कहाँ रहता है, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। मैंने पता लगाया भाई। भाई आपको याद है, उसने कहा था कि वो गोदावरी का पानी पी के पला है। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस दिवा में कितनी अकड़ होगी? अब याद आया? अरे इस गोदावरी का क्या किस्सा है? मैं दिखाता हूँ, इस मैप में पूरा डिटेल है। ये गोदावरी नदी है, ये वेस्ट गोदावरी, ये ईस्ट गोदावरी। मैं भी यहीं पैदा हुआ था भाई। अपनी स्टोरी बंद कर, बात क्या है? बताता हूँ भाई, इस गोदावरी नदी के दोनों किनारे लगभग 50 गांव होंगे। इन गांव में ढूंढने से हम देवा को आसानी से पकड़ पाएंगे। कुछ भी कर, मुझे वो देवा चाहिए बस। अरे ये क्या है जी, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जाओ जी जाओ, चलो जाओ। नो जाओ, फुल मूड में आया हूँ। अब अगर कोई बीच में आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अरे आप जाओ,
मेरा बाप मर गया, बाबा मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया, 2 रुपए दे दो बाबा। ये ले भिक्षु जा। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। ए, कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरी पत्नी सपने में आई साहब। तो यहाँ किस लिए आए हो? वो क्या है, इनके पति इनके सपने में आए कि नहीं ये पता करने आए हैं। तो क्या करोगे? इस बेचारी का पति नहीं रहा, मुझ बेचारे की पत्नी नहीं रही, दोनों बेचारे एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे ये सोचकर आया सर। पागलों जैसी हरकत मत करो, फिर कभी अगर इनके आसपास दिखाई दिया ना। नहीं दिखा दूंगा सर, एक छोटा सा डाउट है सर, इस वक्त आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? ठीक है, मैं अपने सपनों की दुनिया में जाता हूँ सर। आलोक को भी अभी इसी समय पर आना था क्या? नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आसपास के 4-5 जिलों में अभी तक 200-300 शादियां इन्हीं हाथों से करवाई हैं, हमने आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। खुशी की बात है, बुलावा आ गया। श्रीमान, आपकी बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए बताइए। ऐसा परिवार देखिए जहां बहुओं को बेटियों सा दर्जा दिया जाता हो। दहेज कितना देंगे? जो मांगे दे देंगे, अनलिमिटेड डाउरी। लेकिन दहेज के लालची परिवार में मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नो डाउरी। श्रीमान, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, आपको कैसा लड़का चाहिए, धनवान, रूपवान या विद्यावान? गुणवान चाहिए। श्रीमान, गुणवान इसमें नहीं है, अच्छे लड़कों को मैरिज ब्यूरो में ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसके लिए गांव-गांव जाकर पूछताछ करके पता लगाना पड़ता है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने हाथों से आपकी बहन की सगाई करवाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। हाय त्रिशा, क्या बात है, आज सुबह सुबह फोन? मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तुमसे बात करनी है, फौरन मंदिर के पास आ जाओ। यही मौका है, अब देता हूँ सबको एक छोटा सा झटका। इस गाड़ी को ढकेलने से अच्छा ठीक से ढकेलो ना जीजू, मैं तुझे उठा कर ही चलूं। चलो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मंदिर में आज कुछ गलत होने वाला है। बेटा गलत काम नहीं करता है, बहुत घमंड है ना चौधरी को, अब ये बात बताकर उसका मुंह काला करते हैं। चलो चलो। साहब 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 साहब, आप कहाँ जा रहे हैं साहब? हमें फौरन मंदिर जाना है। किस लिए? वहाँ शनि ग्रह की पूजा करवानी है साहब। ठीक है, शाम को करवाएंगे। साहब साहब साहब, शाम को तो वहाँ नहीं रहेंगे साहब। कौन लोग? वही ग्रह सब सर, वो सब दूर चले जाएंगे, अभी करवाएंगे तो आपकी बहन को अच्छा रिश्ता मिलेगा साहब। ओके, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं किस लिए? मैं यहाँ घर का कामकाज देखता हूँ ना। चलिए, वो सब बाद में देखिएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आनंद, देवा के वादे के मुताबिक हमारी शादी हो जाएगी। डोंट वरी त्रिशा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा जरूर निभाएगा। वो क्यों छुपा रहे हो? ताकि कोई मुझे पहचान ना ले सर। पहचान लिया तो क्या, तुमने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया है सर, पुलिस की तरफ पूछताछ क्यों करें। वो आ रहे हैं साहब, चलिए हम वापस घर चलते हैं। कौन है वो? ग्रह साहब। ग्रह तो दूर होंगे, कहा था ना तब गए थे, अब आ गए। ग्रहों की बात है साहब, जब मर्जी होती आते हैं जाते हैं, यहाँ तक आकर बिना पूजा किए जाएंगे। ए चल। आनंद। क्या कर रहे हो यहाँ पे? बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं होगा भैया, जो तुम सोचते हो नहीं हो सकता। ये भी बीच में आ गया, आज इसका प्लान नहीं चलेगा। क्या सोच रहा था ये? कुछ नहीं बाबूजी, ये दोनों डॉक्टर है ना, यहाँ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर बड़ों का सपोर्ट कहाँ है? बता रहा हूँ लेकिन समझते नहीं है, ये गांव है गांव, ये तुमसे नहीं होगा। चलो तुम जाओ बहन। ए देवा, जाने दो बाबूजी। अरे रुकना, बुला रहे फिर भी जा रहा है तू? कहीं भाई ने पहचाना तो नहीं? इसमें गलत क्या है? अगर लोगों की भलाई के लिए है तो उनके मुताबिक होने दो।
इस गांव का मैं कर्जदार हूँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अब क्या भाई, बड़ों ने मान लिया, चलो जाके इंतजाम करते हैं। त्रिशा तुम भी चलो। कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? जो नहीं है उसे अच्छा क्रिएट करते हो, लेकिन जो है उसे छुपाते हो। छुपाता हूँ? क्या छुपाया मैंने? तुम मुझे पसंद करते हो ना? बाप रे, इसे कैसे पता चला? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। बेटा देवा, प्रिया बेटा, अब तो लगता है कमिट होना ही पड़ेगा। मतलब कृष्ण कृष्ण। देवा नाम का कोई है? मैं ही हूं। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कृष्ण कृष्ण। लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग कैंप में ले जाना, ठीक है? सुनो देवा, ये सरासर नाइंसाफी है। तू चुप कर। मेरे साले का भी इस गांव में एक घर है और बहुत सारी बदनामी भी है। तुम इन सबको इधर उधर बांट रहे हो तो चार लड़कियों को हमारे घर भी भेज सकते हो ना? धत तेरी की, इस बात को लेके बुरा लग रहा है? सुन रे प्यारे, चार लड़की को इसके पास भेज देना। ठीक है देवा। अब अरे सुनो, चार बुढ़ियों को धनीराम के घर में भेज दे। तू दिन ब दिन आपका ग्लैमर बढ़ता जा रहा है अंकल। अरे अब मुझमें कहां ग्लैमर। चश्मा उतारिए फिर बताइए। ये लो उतार दिया। पता नहीं कैसे पटाऊं। रुको 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 रुको, यहाँ तुम सब डॉक्टर्स नहीं एक्टर्स हो। ऐसी एक्टिंग करना कि मेरे माँ बाप फ्लैट हो जाए, और त्रिशा के अलावा बहू के रूप में और किसी को ना सोचे। ओके अरे अरे आओ ना माँ। हाँ मेरे साथ, देखो कौन आया। क्यों बेटी, तुम लोगों को तकलीफ तो नहीं है ना? वो सभी गाँव वालों गाँव वालों का चेकअप हो गया है, तुम इनकी चेकअप की तैयारी करो। जाओ चलो चलो माँ, तुम्हारा फौरन चेकअप करवाएंगे। पर मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है पूछ रही हो? रात को हम खा रहे थे तब तुम खास रही थी। चेकअप जरूरी है? अरे वो तो तरकी की वजह से खास रही थी, उसके लिए इतना सब कुछ। ऐसा मत कहो माँ, ये एक बेटे के जज्बात है। माँ की तकलीफ न समझने वाला बेटा बेटा नहीं होता। अरे मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। अरे बाप रे, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे टेंशन हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? इस घर में कोई सिगरेट पीता है क्या? पीता है पूछ रही हो? यहाँ तो रेलवे का इंजन है, इंजन वो आ रहा है देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी आइए। क्या बात है? हाँ बताइए, मेरी माँ को क्या हुआ है बताइए। बोलो ना। क्या है बेटी? माँ जी के लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंकल, और उसकी वजह है आपकी ये सिगरेट। मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेंगे, मैं जानता था। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ मैं हूँ तुम्हारे लिए। अरे रे रे, तो रुक ना, मेरे सिगरेट पीने से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीने वाले से उसकी सांस लेने वालों को ज्यादा नुकसान होता है, ये आप नहीं जानते? इससे कैंसर भी हो सकता है। बाऊजी ये आपने क्या किया? बाऊजी बीवी को कुएं में धकेल कर मारने वाले को देखा है मैंने, केरोसिन से जलाकर मारने वाले को देखा है मैंने, आखिर में फांसी लगाकर मारने वाले को भी देखा है, लेकिन धुआं छोड़ छोड़ कर मारने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। माँ तुझे कुछ नहीं होगा, माँ तुझे मैं बचाऊंगा। माँ चल, माँ इस आदमी से तुझे दूर ले जाकर कूली का काम करके तेरी देखभाल करूंगा, चल। अरे अरे रुक ना बेटी, एक बात बताओ, अभी तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, अगर आप इसी तरह से सिगरेट पीते रहे तो फ्यूचर में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। टेक केयर अंकल, बाय माँ जी, बाय देवा। नमस्ते अंकल। बेटी चलती हूँ आंटी, बाय। उनको छोड़ के आओ ना, जाओ। मेरी लाख मना करने पर भी ना मानने वाले आप, उस लड़की के एक बार कहते ही इतने दिन मेरी तबीयत बिगड़ेगी कहती आई हो तुम, किसी ने भी तुम्हारी तबीयत के बारे में फिक्र नहीं की। देख लिया बाबू जी, वो लड़की दो मिनट में आप में इतना बदलाव लाई, जिंदगी भर यहाँ रहेगी तो कितनी खुशियाँ लाएगी। आनंद भैया के लिए सही जोड़ी है ना? वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा। उनका क्या है बाबूजी, आप हाँ कहेंगे वो भी मान जाएंगे। पर अपने सोचने से क्या होता है, आनंद को पसंद आनी चाहिए। अरे क्या बाबूजी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, भाई से बात मैं करूंगा। ठीक है ठीक है, ये सब बातें अभी किस लिए, जाके काम देखो। हाँ माँ
अरे कहाँ चला गया था तू? खाना परोसने का टाइम हो रहा है। खाने के लिए टाइम ही कहाँ हुआ है? जा जाके कुर्सी लगा। अरे और कुर्सी की क्या जरूरत है? अगर ज्यादा गेस्ट आए तो अरे ज्यादा कुर्सी लगाना। अरे अभी सब लोग यहीं पे हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया होगा। चलिए चले गए, बिन बुलाए कैसे जाएंगे? बुलावा रास्ते में है भाई, आप मेरे साथ चलिए। चलिए बुलावा रास्ते में क्या मतलब? अरे यही भाई, घर से निकलना है, गोदावरी पार करना है, यहाँ तक पहुँचना है, इसमें टाइम तो लगता है ना भाई। ए मैं यहाँ हूँ तो वहाँ क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब तो अच्छा है। हेलो सर, अंदर आ सकता हूँ? अरे वो देखिए बुलावा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते सर। क्या बात है? आपको फंक्शन में बुलाने के लिए पिताजी ने भेजा है। चलिए भैया, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। चलते हैं ना भैया, प्लीज। ठीक है तुम लोग जाओ। सर सर सर, आपके आने के बाद ही फंक्शन स्टार्ट होगा ये भी कहलवाया है। चलता हूँ। अभी मैं अभी चलो चलो। हाँ चल चलिए। ए देवा, सचमुच तुम्हारे पिताजी ने बुलाया? वो खाक बुलाएंगे। तो भैया को तुम्हारे पिताजी ने रिसीव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना देवा, कैसे संभालोगे? वोट डालूंगा। बाप का नाम क्यों लेता है बे? शादी करके बच्चा पैदा कर। अगर फालतू काम किया तो तेरी फालतू काम। अरे इसने ऐसा क्या कहा जो तूने इसे मारा? अबे कालिए, बीच में पड़ा तो पूरे 64 दांत उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन सबके तो 32 ही दांत होते। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत। तू बीच में आएगा जानकर तेरी 32 भी मिला दी है। प्रिया को वो खाने के लिए बुलाया, फिल्म देखने ले जाए तुझे। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, कोई कहता है तेरी बैटिंग वीक हो गई है तो दूसरा कहता है कि तेरी बॉलिंग ढीली पड़ गई है तो तीसरा कहता है कि तू प्रिया के आसपास ही फील्डिंग करता रहता है। अच्छा ठीक है, तू प्रिया के पीछे घूमता है क्योंकि तुझ में दम है, लेकिन ये साला जल क्यों रहा है तेरे से? तूने कस के दे दिया ना, वो समझ गए होंगे। अरे वो बात नहीं है यार, बंद कर यार। तू चुपचाप इस तरह शर्मा रहा, मतलब आग दोनों तरफ लगी है। सच बता, तू प्रिया से प्यार करता है ना? ये बात तूने प्रिया को बताई क्या? नहीं तो फिर शुभका मैं देख लूं। चल चल, उसके लिए टाइम है। ओके टाइम है तो ठीक है। अरे अचार कहाँ है? हाँ प्रिया रेडी है भाई, मेरा मतलब प्रिया अचार, प्रिया मसाला, प्रिया पापड़। हाँ, टेंशन सब तैयार है। अरे ये क्या बाबूजी, ये लोग बिन बुलाए आ रहे हैं? अब अगर आप जाकर रिसीव करेंगे तो आपके ईगो पर ठेस पहुंचेगी, अगर नहीं गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी। भाड़ में जाए इज्जत, आप अपने ईगो पर अड़े रहिए बाबूजी। वैसे मुझे ही आकर आपको बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लंच का टाइम हो गया है, चलिए। आंटी मैं परोसती हूँ, ये मैं लेता हूँ। गुजिया बहुत अच्छा है। ए देवा। जी बाबूजी। यहाँ ना, जरा इन्हें और गुजिया देना। अरे नहीं नहीं, बहुत हो गया। हाँ, अरे लीजिए ना। और थोड़ा पैक करके भी देना घर ले जाने के लिए। चौधरी साहब की खातिरदारी पूरे गाँव में मशहूर है। गोदावरी नासिक में पैदा हुई है लेकिन खातिरदारी गोदावरी में। किनारे दो हैं लेकिन संस्कार एक है। इस गोदावरी के किनारे आपने इंतजाम काफी अच्छा किया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे चौधरी साहब के बड़े लड़के की शादी में देखिएगा, ऐसा इंतजाम करेंगे कि अखबारों के फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी न्यूज छपेगी। अरे मेरी बात छोड़िए, ये भी अपनी बहनों के लिए कम इंतजाम थोड़ी ना करेंगे। अरे सब्जी वगैरह पैक करके उस पद्मा को दे देना, उससे मेरा बहुत कुछ काम बाकी है, समझा ना? अरे अंकल संभाल के। चौधरी साहब सब लोग तो जा रहे हैं यार। पता है ये आखिरी मौका है और ये देवा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। थोड़ी देर और इन्हें कैसे रोकेंगे? आप लोग जा रहे हैं, गांव में सभी लोगों का आप ही ना तो इलाज किया, सबको अच्छी अच्छी दवाई दी, अब आप लोग चले गए तो हमारे गांव का क्या होगा? कमला मौसी ने शुरुआत तो कर दी है देखो। कुछ नहीं होगा, आपके गाँव में पहले से ही दो डॉक्टर है ना। लेकिन उससे फायदा क्या है? क्या भेस बदला है यार? हाँ बोलो बोलो, फायदा क्या है? लड़के की नौकरी लग गई तो वो चला जाएगा और लड़की शादी करके ससुराल जाएगी, ये दोनों पति पत्नी थोड़ी हैं जो गांव में रहेंगे। चुप हो जाइए काका, चौधरी साहब के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, पल भर में शादी करा के उनको हनीमून पे नहीं भेजेंगे वो। चिल्लाना बंद करो, तुम सबके हाँ कहने से इनकी दूरियां मिट जाएगी या शादी हो जाएगी। हटो भाई। सुनिए चाचा जी, आप किस गांव के हैं? जलेबी बाग का। वो कहाँ है? लड्डूपुर के पास। चलिए लड्डू हो या जलेबी, आप हमारे चौधरी साहब के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते, वो इस गांव के लिए अपनी जान भी दे देंगे तो दूरियों की क्या बात है।
क्यों चौधरी साहब? मैंने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया सिर्फ इस गांव के लिए। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ये लड़की इसके साथ मिल जाए तो पूरे गांव का भला होगा, लेकिन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। शादी ब्याह तो दो परिवारों का मामला है, इन्हें एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मुझे भी एतराज नहीं, लेकिन इनके बेटे को मेरी बहन पसंद आनी चाहिए ना? मेरी पसंद ही मेरे बेटे की भी पसंद है। क्यों बेटा आनंद? आपकी मर्जी बाबूजी। मेरी और मेरी बहन की पसंद भी एक ही है। क्यों त्रिशा? जैसा आप कहें भैया। शाबाश शाबाश, बच्चे हो तो ऐसे। वाकई ये दोनों बच्चे इस गांव की शान है। कल्याण प्राप्ति रास्ता। लेकिन आप मुझे जरूरी काम याद आ गया। सुनिए चाचा। नहीं, इस तरफ। साला बुड्ढा उनको समधी बना के चला गया। कौन था वो? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैंने उसे कहीं देखा है। बाहर में जाए तुम्हारा सिक्स सेंस। देखा मैंने कैसे एक्टिंग की? मान गया यार, सोचा था पोल खुल जाएगी मगर किसी को पता ही नहीं चला। देवा, देवा तू गया वहां तो लाइन क्लियर कर दिया, अब इन दोनों के बीच क्या करेगा? देवा, ए देवा। यही तो, वहां संभालना आसान था लेकिन यहां संभालना जरा मुश्किल है। अरे रुको ना, ये पारो और ये चंद्रमुखी, बीच में देवदास भागे जा रहा है। हमारे गांव में साधु महाराज आए हैं। भाई। क्यों बे, मिला क्या? नहीं भाई, अभी चार गांव और बाकी हैं। इतने दिनों से वहां क्या उखाड़ रहा है कुत्ते? भजन गा के घूम रहा है क्या? वो अशोक का बच्चा और वो साला देवा, वो दोनों चाहिए मुझे। अच्छा भाई। स्वामी जी, अब कौन से गांव जाएंगे? गांधी ग्राम। ज्योतिष जी, मेरी कुंडली में क्या है बताइए। परेशान मत हो, ऐसे ग्रह तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम बहुत ऊपर जाओगे। ज्योतिष ने बोला कि मेरे ग्रह आने वाले और स्वामी लोग आ गए। कृष्ण, नमस्ते स्वामी जी, क्या सेवा करूं? इस गांव में देवा नाम का कोई बच्चा। ओ, आप देवा से मिलना चाहते हैं? आइए मैं आपको ले चलता हूं। चलिए स्वामी जी। जी को प्रोग्राम बता। सॉरी, तो जाना। चाहता तू भी जा। आप कह रहे थे कि आप देवा से मिलने आए हैं, आपको देवा से क्या काम है स्वामी जी? इस गांव में रहने वाले देवा को हमारे गुरुजी ने 10 लाख रुपए देने को कहा है। 10 लाख? वो किस लिए स्वामी जी? ये प्रश्न आपने हमसे पूछा, परंतु हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते ना। मैं अपने साले को देवा बताकर 10 लाख अंदर कर लेता हूँ। उसके लिए मंदिर क्यों आए हैं? वो खेत वाले घर पर होगा, अगर मैं बता दूंगा तो मुझे क्या देंगे? आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छी बात है, चलिए चलिए। वैसे आपके गांव में कितने देवा हैं? वो देवा तो एक है स्वामी जी, वो हमेशा यही रहता है, जाकर मिल लीजिए। ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? लगता है मेरा घर वाला आ गया, अब क्या होगा? अरे चुप रह, तेरा घर वाला तेरे बारे में नहीं जानता क्या? मैं कैसे मैनेज करता हूँ देख। देवा? देवा कह रहा है ये मेरे लिए अच्छा मौका मिल गया है, ये इल्जाम मैं उसके ऊपर डालता हूँ। हाँ, मैं ही देवा हूँ, बोलो क्या काम है? चलो हटो, रास्ता दो। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे मुझे मारो। अरे ये 10 लाख देने की बजाय मार क्यों रहे हैं? अरे मुझे छोड़ दो। हाँ स्वामी लोग, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से उसके घर में घुस गया था। जिस देवा की हमें तलाश है वो इस गांव में भी नहीं। चलो साले साहब। कौन है? अरे मैं हूँ, उन लोगों को यहाँ पर मैं ही लेकर आया था। तुम? देवा को वो 10 लाख रुपए देने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि तुम ही देवा हो। 10 लाख? तो पैसा दिए बगैर मुझे धो क्यों रहे थे जीजा जी? मुझे भी कुछ शक हो रहा है साले साहब,
मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ सिग्नल दे रही है। इन लोगों के और देवा के बीच जरूर कोई पंगा है। श्रीमान करण सिंह चौधरी के ज्येष्ठ पुत्र आनंद और श्रीमान अशोक वर्मा की बहन त्रिषा की शादी तय करके आज उनकी सगाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। ओम ध्रुवंते राजा वरुणा ध्रुवंते बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रश्च राष्ट्रं धारयतां। थोड़ा गैप मेंटेन कर। क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ यही ना। बाप रे, अभी तक लेके घूम रही है? कब तक मुझे तड़पाओगे यार, चल पहना देना। जी जी जी। माँ माँ, बुला बुला ना बुला। अब कोई भी आ जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले इसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ, मेरी शादी कराओगे? सुनिए अंकल, पीढ़ी दर पीढ़ी से जब भी हमारे घर में कोई शादी होती है, निमंत्रण पत्र भद्राचलम मंदिर के श्री राम जी के चरणों में रखने का हमारा रिवाज है। अच्छी बात है चौधरी साहब, कल हम सब लोग भद्राचलम चलेंगे। जी बहुत अच्छी बात है। मिस्ड कॉल क्यों दिया? बैलेंस नहीं है क्या? मजाक मत करो, उनकी शादी के इनविटेशन कार्ड छप गए हैं। हमारे बारे में कुछ सोचा? उसमें सोचना क्या है, भद्राचलम से लौटने के बाद बांटते हैं। उसके बाद? उसके बाद हजारों काम है, कपड़ा खरीदना है, सोना खरीदना है, मंडप सजाना है। उसके बाद? अच्छा वो ठीक है, शादी में आने वालों में से किसी को तुम पसंद कर लो, किसी को मैं कर लूंगा, सेटल हो जाते हैं। देवा, रोज तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ इसीलिए मुझे सताते हो ना? ये आखिरी बार है। वाकई तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह है तो मुझे रोको, वरना। राम नाम लिखना बड़ा पुण्य का काम है। ये राम कोटी लिखने से आपका और आपके बहनों का हमेशा भला ही होगा। शिवा। हाँ भाई। जिस राम कोटी को तेरी भाभी ने शुरू किया उसे मैंने पूरा किया। इसे भद्राचलम ले जाना है, इसे अच्छे से पैक करना। ठीक है भाई। हाँ और एक बात। हाँ भाई। ये राम कोटी नहीं, तेरी भाभी की जान है। हाँ भाई। अम्मी मुझे खाने दो। कर, सारा सामान ठीक से रखना, समझे? तुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तुम्हें ये चाहिए तो ले जाओ, सारा ले जाओ, ये भी ले जाओ, जाओ खाओ। सुनो बेगम, वो लोग भद्राचलम जा रहे हैं, उनके वापस लौटने तक हमें कोई नहीं रोकने वाला है। हैप्पी डेज, हैप्पी लाइफ। तुम अभी तक यहीं पर हो, चलो। मैं भद्राचलम नहीं जाऊंगा सर। क्यों? मेरी कुंडली में पानी से खतरा है, मर जाऊंगा। ठीक है, तो तुम यहीं रुको, तुम चलो। ये भी नहीं जा सकती है सर, इसकी कुंडली में भी पानी से खतरा है। तू क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोल सकती क्या? दोनों की सेम प्रॉब्लम है सर, आप समझते क्यों नहीं है? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना यहाँ पर, मिल के साथ साथ मैं पूरे घर को भी संभालूंगा, प्लीज सर। ठीक है, शराफत से आउट हाउस में पड़े रहना, आलतू फालतू बहाने बनाकर घर में घुसाना। ठीक है सर, आप जाइए ना। ये पता नहीं मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। क्या हुआ? भाई, भाई रामकोटी गिर गई। रुके रुके, यहाँ पे खतरा है। रामकोटी गिर। अरे अरे, अपना देवा पानी में कूद गया। हे देवा, अरे देखो तो। अरे बोल देवा, बोल देवा, जल्दी। देवा, देवा।
लगता है आज इस देवा का किस्सा खत्म हो जाएगा। अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को। और पीछे लो जल्दी। देवा 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 आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ देवा, देवा आ जाओ, आ जाओ देवा, देवा आ जाओ, आ जाओ हाथ दो, देखिए हाँ ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, संभाल के, संभाल के बेटा, देवा आ जाओ। तुझे अकल है कि नहीं? अगर कुछ हो जाता तो मेरा बच्चा। हे राजश्री, ये रोना धोना बंद करो। बेटा आनंद, इन्हें अंदर लेकर जाओ। तू पागल हो गया क्या? रामकोटी जाती तो हजार बार लिख सकते हैं, जान जाएगी तो वापस आएगी क्या? अगर वो दोबारा लिखना भी चाहे तो शुरुआत करने के लिए उनकी पत्नी नहीं है। सुनिए चौधरी साहब, आज महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। आपकी जो भी पूजा विधियाँ पूरी करनी थी उन्हें कल संपन्न करके स्वामी जी के प्रसाद के साथ दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, सब शुभ शुभ होगा। आप ये रामकोड़ी पुस्तक वहाँ पीछे वाले मंच पर रख दीजिए। उधर जाओ, ये लेन कुछ देर के लिए बंद कर दो। ए तुम लोग पीछे जाओ, उधर देखो। आंटी, भगवान सिर्फ शादी करने वालों की इच्छा पूरी करते या प्यार करने वालों की भी? दोनों सच्चे मन से परिक्रमा करेंगे तो जो मांगे वो मिलेगा। ओह ए देवा, तू जाकर प्रसाद लेकर आ। जी माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? गवर्नर की सिक्योरिटी के लिए आया हो। थैंक गॉड, आप मर गए हैं ये बात पूरी मुंबई ने मान ली थी, मगर मैंने नहीं माने भाई। कहीं ना कहीं आप सही सलामत होंगे, मेरा ये विश्वास आज सच साबित हुआ। देखा, हमें राम जी ने मिला दिया। घर में सब कैसे हैं? बेटी की मौत के बाद न तो जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, चल रहा है। हाँ भाई, एक गुड न्यूज है, उस पवार के बेटे को बीच सड़क पर किसी लड़के ने। सर, वहां की बातें यहाँ क्यों सर? हमारे कल के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, हम यहाँ शांति से जी रहे। इनकी बहन त्रिशा की शादी भी तय हो चुकी है। ओके ओके जाने दो। आपकी बहनें कहाँ हैं? बेटा त्रिशा, तुम लोगों ने इन्हें पहचाना? हाँ पहचाना। हेलो अंकल। सर, ये हमारे संधि जी हैं। नमस्ते, नमस्ते। मेरे साथ किसी और को भेजना था ना? चुप हो जाना। ये मेरा दूसरा बेटा, अशोक जी के दोस्त है। नमस्ते सर। ये आपका बेटा है? हाँ। अशोक भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। ये देवा के हाथ में देना। नहीं माँ, मैं अभी। फिर कहाँ जा रहे हो? सीता जी के ठीक से दर्शन नहीं किए, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ जल्दी आना। चले प्रिया। क्यों प्रिया? लगता तुमने राम जी को ठीक से नहीं देखा, जाके देखा, हम राम कोटी देकर आते। चलो प्रिया, तुम्हारे और देवा के प्यार के बारे में भैया जानते हैं, तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाओ। बिटिया, देवा और चुप कर, गाल की लाली देखने से पता नहीं चलता क्या दोनों के बीच? अच्छा, ये सच है बिटिया? बोलो ना। अरे क्या शर्मा रही हो, पीछे इंतजार कर रहा था। क्या
क्या बात है, तुम भी अपने भाई को पटा कर आई क्या? अब किसी को भी पटाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। पता चल गया? टेंशन मत लो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। अरे बाप रे पंडित जी, धागा टूट गया, दोबारा गांठ बांध। ऐसा नहीं होता श्रीमान, गांठ गांठ ऐसा मत कहिए, उसे पता चला तो मार डालेगी, कोई तो आइडिया होगा? उसे पता चलने से पहले दूसरा ले आओ। दिखने में तो बहुत मासूम लगते हो, उधर मुंबई में दहशत फैलाने वाले पवार को ही हिला दिया। सर मुंबई पवार कुछ समझ में नहीं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ देवा, आई नो एवरीथिंग। बीच सड़क पर उसे पागल कुत्ते की तरह मारकर वहां से खिसकते हुए तुम्हें मैंने देखा था। ओके, मामला खून का है, फिर भी तुमने एक क्रिमिनल को मारा है, इसलिए नो प्रॉब्लम। ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं? अशोक भाई नहीं जानते। तुम दोनों की फैमिली को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, शादी के मौके पर सब बेहद खुश हैं। इस लफड़े के बारे में पता चला तो चैन से रहने वाले सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, खासकर अशोक भाई को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे ही मेंटेन करो, ओके? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुंबई किस लिए गए थे? दोस्त की शादी में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, किस लिए गए थे? वहां किसी पवार के बेटे को मार दिया तुमने? सर दरअसल ये हुआ कि। मारा या नहीं? मैं मजबूर था सर। तो मार दिए। तुम बदल गए हो यह सुनकर मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन पल भर में तुमने उस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। जानबूझकर मैं अपनी बहन की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकता, कभी नहीं। मैं प्रिया को अच्छे से रखूंगा। कैसे रखोगे? तुम चुप रहोगे लेकिन वो लोग चुप नहीं रहेंगे। सर प्रिया को कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ये सगाई नहीं हुई होती तो मैं ये शादी भी नहीं होने देता। अगर ये शादी होनी है तो तुम्हें प्रिया को भूलना होगा, और ऐसा कुछ करो कि वो भी तुम्हें भूल जाए। देवा सब मंदिर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करके उन पर अक्षत डाल रहे हैं, हम भी अक्षत डालेंगे, चलो मेरे साथ। अपनी शादी नहीं हो सकती प्रिया। क्या हुआ? मैंने उस पवार के बेटे को मार दिया, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम वहाँ क्यों गए और क्या हुआ वो मैं भैया को बताऊंगी। बताकर ये शादी रोकना चाहती हो? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके आए हैं प्रिया, अगर मुझे अपना वादा निभाना है तो हमें एक दूसरे को भुलाना होगा। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। क्यों, क्यों नहीं भुला सकती? तुम अपने माँ बाप भाभी को नहीं चाहती थी, उनके जाने के बाद उन्हें भूल तो गई ना, जीना छोड़ दिया क्या? उसका इससे क्या संबंध है, वो पुरानी बातें हैं। ये भी ऐसा ही है प्रिया, दर्द तो होता ही है, महीना साल बीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे भुला पाओगे। भुला पाऊंगा।
ए, इस तरह आराम से नहीं, हाँ जरा जल्दी चलाओ जल्दी। ए, गाड़ी रखो, वो देखो शिवा, क्या हो गया? जल्दी आओ, मेरी बात सुनिए, वो देवा नहीं है। सारे लोग आ जाओ, मेरी बात तो सुनिए, वो देवा नहीं है। अरे देवा का पूछ के शिवा के पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है शिवा को जिंदा नहीं छुड़ेगा जी, क्या मामला गड़बड़ लगता है। चलो शिवा, कहाँ है वो? ए, हम में से देवा किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी भी तरह हमको भाई को खबर करनी होगी, भागो। शिवा, गांव पार करके इनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए। अरे चौधरी साहब, देवा वहां पर किसी से मारपीट कर रहा है। ए, देवा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो जी। ये सब क्या है, पागल हो गया तू? छोड़ दे उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। तुझे कल घर में शादी है और तू है कि मारपीट कर रहा है, कौन है वो बता, कौन है वो? मैं बताता हूं, वो माफिया वाले हैं। माफिया? आपके बेटे ने उनके साथ क्या किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेस बदलकर इसे ढूंढने आए थे। इतना ही नहीं जी, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। वो लोग ढूंढने आए थे देवा को, लेकिन हमला किया शिवा पर। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से इसकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब क्या सोच रहे हैं पूछिए। बाबूजी, वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मेरे अलावा उनका किसी से वास्ता नहीं है। माफिया वालों से तेरा क्या झगड़ा है? उस दिन दोस्त की शादी में गया था, वहाँ उनसे झगड़ा हुआ। देखा ना, अब इसने खुद कबूल लिया। सब देख क्या रहे हो, गांव वालों उनके पास बम और पिस्तौल है। इसे मारने के चक्कर में अगर गांव में बम फूटा तो सबके सब मारे जाएंगे। खामोश क्यों है आप? मेरे बेटे कोई गलत काम नहीं करेंगे कहा था ना, अब बताइए। ये अब क्या बताएंगे जीजा जी, ये तो दुनिया भर को अक्ल सिखाते हैं, लेकिन इनके ही घर में। बंद कर। जब से मैंने इस गांव का नाम रखा है, तब से अहिंसा के शब्द का हमेशा पालन किया है। तेरी वजह से किसी की जान चली जाए या इस मिट्टी पर खून का एक कतरा भी गिर जाए तो अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा और तेरे पिता की अर्थी ही उठेगी। अब क्या देख रहा है, चला जा। आज से हमारे इस गांव से और मेरे घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भाऊ जी, चला जा। पिताजी चाहिए तो जाकर कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा। देवा का ही दिखाई नहीं दे रहा है, आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, आएगा। बैठिए बैठिए। ए शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक। जाओ, बहुत सारे काम। हुँ।
सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा, मुझे मत रोको। सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे, और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना। अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये क्यों के आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता क्या? है देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा, पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। वहां देखिए, उसका दम तो देखो भाई, अकेला आकर कितनी हिम्मत से खड़ा है। सोला, इस गांव में दो दो क्रिमिनल को रख के गांव का नाम तो देखिए, गांधी ग्राम। सत्यमेव जयते अहिंसो परमो धर्मा। अच्छा, मुंबई में हिंसा और यहां गांव में अहिंसा। साला, हिंसा क्या होती है अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरे गांव का छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, पशु पक्षी, एक की भी जान नहीं बचेगी। और आखिर में सड़ी हुई लाशें खाने के लिए चील कौवे भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। ए पवन, अपनी मनमानी करने के लिए ये मुंबई नहीं मेरा गांव है। इस गांव में एक तरफ अहिंसा का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ तुझ जैसे कमीनों को काटने के लिए देवी माँ की तलवार है, और वो तलवार है ये देवा। ए, जान लेना तो बहुत दूर, यहाँ की औरत की एक नथनी या बच्चे के कमरबंद को भी तुझे छूने नहीं देगा ये देवा। गांव को मिटाना है तो गांव से पहले इस देवा को मिटाना होगा। आ, चला। ए, ये पवार की इज्जत का सवाल है। मंदिर में कदम रखने से पहले नारियल फोड़ते हैं, नए घर में कदम रखने से पहले कद्दू फोड़ते हैं, इस गांव में कदम रखने से पहले इसका सर फोड़ देंगे। ए, काट डालो साले को। अगर किसी ने भी द्वार पार करने की कोशिश की तो देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। आजमा ले। शिवा, क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? ऐसे मुंह लटका रखा जैसे दुनिया लूट गई। हाँ, दुनिया लूट रही है। वहाँ पवार के गुंडे अपने देवा को मार रहे हैं। क्या कह रहा तू? पवार, पवार के आदमी यहाँ? क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को? जी, पूछे ना मेरे बेटे को क्या हुआ, पूछे ना। राजश्री, गलत काम करने वालों को सजा मिलती ही है। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो। आनंद,
क्या कह रहा है तू? गलत काम करने वाला वो नहीं बाबूजी, मैं हूँ। मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते थे, आपस के झगड़े की वजह से आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे ये सोचकर हम भागकर शादी करना चाहते थे। मेरी शादी को लेकर आपके दिल में कितने अरमान है बताकर देवा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर वो न होता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। वो तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम है बाबूजी। उस दिन आपने सोचा हम भद्राचलम गए हैं, लेकिन हम मुंबई पहुंच गए थे। वहां पवार और उसके गुंडों ने जब हम पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया। आपको दिए वादे के लिए उसने मेरे प्यार को त्याग दिया, अपने पिताजी की आज्ञा के लिए इस गांव को त्याग दिया। अब हम सब के लिए अपनी जिंदगी को त्याग रहा है वो। मुंबई से बाहर कब निकलता है उसी का इंतजार कर रहा था। परसों बाद आज मुझे मौका मिला, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है प्रिया। बेटा देवांग। बाबूजी दत्त ने की देवा ने पूरे गांव के सामने अपनी पावर दिखा दी, उसके बाद भी उसका बाप उसे गले से लगा रहा है। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से चुप कर साले। अगर देवा नहीं होता तो पूरा गांव शमशान बन गया होता। मैं कहता हूँ पूरे गांव का दुश्मन है तू। ऐसे कैसे पलट गए साले साहब? मैं पहले से अच्छा ही था, तेरा साला बनने के बाद बिगड़ गया। सिक्स सेंस के हिसाब से तेरे सिक्स सेंस की ऐसी की तैसी। भाग यहां से, दबा हो जा।